चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम आगे रिवीजन लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स, ओके। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देखो क्या कहता है डिसीजन मेकिंग में, ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग में हमें क्या क्या कवर करना है, राइट। एक बार फटाफट देखते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके, मेक और बाई कॉन्सेप्ट, ओके, की फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ओके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज केस स्टडी, राइट, एथिकल एंड नॉन परफॉर्मेंस, फैक्टर्स, ओके, ये हमें कवर करना है, राइट भाई। तो चलो फटाफट आगे बढ़ाते हैं हम अपने पॉइंट को। रेलिवेंट कॉस्ट में हमें क्या क्या समझना है, हाँ जी, इसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब भी मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना हो कि हमें ऑफर एक्सेप्ट करना है या कोई ऑफर आता है तो कम से कम कितने में हम इसको एक्सेप्ट करें, तो वो आपसे पूछेंगे, आप उनको सलाह दोगे, ठीक है। तो ये काम हमेशा होता है रेगुलर प्रोडक्शन के साथ में, कंपनी में रेगुलर प्रोडक्शन चलता रहता है। अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या नए प्रोडक्ट को कम से कम कितने में एक्सेप्ट करना है, तब मैनेजमेंट आपसे डिसीजन मांगेगा, तो आप दोगे रेलिवेंट कॉस्ट के बेस पर, ओके। नॉर्मल बात करें हम तो नॉर्मल कॉस्ट किसे कहते हैं, हम नॉर्मल कॉस्ट अगर बात करें सिंपल ट्रेडिशनली, तो कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज गोइंग टू इनकर टू प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है। जो भी गुड्स बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। यहां आती है हम रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट में क्या कहते हैं, कॉस्ट केवल वो नहीं होती जो पे करते हैं, कॉस्ट में वो भी पार्ट आता है जो आने से रुकता है, यानी बेनिफिट टू बी लॉस्ट, पैसे का ना आना भी जाना ही कहलाता है। तो वो उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं। मान लो कोई ऑफर आया, उस ऑफर को बनाने में हमें जो पैसा खर्च होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, उस ऑफर की वजह से अगर मुझे अपना रेगुलर काम डाइवर्ट करना पड़े और रेगुलर काम में मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, तो मैं नया काम तभी लूंगा जब वो बेनिफिट मेरा कवर हो जाएगा, इसलिए हम रेलिवेंट कॉस्ट पर डिसीजन लेते हैं। तो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर की वजह से हमें कितना पैसा, ऑफर की वजह से हमें कितना पैसा खर्च करना होगा, राइट, और ऑफर की वजह से कितना बेनिफिट लूज होगा, बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर, ऑफर की वजह से हमारा कितना बेनिफिट लूज होगा, राइट भाई। और कई बार हमें ऑफर की वजह से बेनिफिट भी होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू ऑफर, क्लियर पार्ट बेटा, ये कहलाता है हमारा रेलिवेंट कॉस्ट। तो अगर इतना अमाउंट हमें ऑफर से मिल जाए तो हम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मैनेजमेंट को ये बात समझा देते हैं, क्लियर पार्ट। अब इसमें क्या क्या आता है, पहला रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल, ठीक है, देखिए फटाफट एक बार इसको नोट करने तो कर लो फटाफट। देखिए फर्स्ट पॉइंट अब इसमें आता है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओके, बहुत ध्यान से सुनते जाना, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट केस हमारे पास इसमें क्या था कि अगर मटेरियल हमारे पास, फर्स्ट केस क्या था, अगर मेरे पास मटेरियल ऑब्सोलीट नेचर का है, बेकार पड़ा हुआ है, यानी उसका कोई भी यूज नहीं है, बेकार पड़ा हुआ है मटेरियल,
तो हम क्या करते हैं, बेचते हैं उसको। मतलब अगर मैंने कोई मटेरियल 5 साल पहले खरीदा था, ठीक है, और आज वो मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है। मान लो मेरे पास M1 मटेरियल है, मैंने 5 साल पहले खरीदा था और वो आज की डेट में मेरे पास गोदाम में रखा हुआ है, इट हैज नो यूज, ठीक है, तो मैं उसको आज क्या करूंगा, बेचूंगा, रीसेल एज अ स्क्रैप। तो मान लो वो 2000 रुपए में बिक रहा है, बेचने से पहले मेरे पास एक ऑफर आ गया, बेचने से पहले मेरे पास एक ऑफर आ गया। अब अगर मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूं तो उस ऑफर में ये वाला मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, राइट। अगर मैं ये मटेरियल बाजार से खरीदूं तो उसको बोलते हैं करंट परचेज प्राइस। तो वो है हमारे पास मान लो 3000 रुपए। तो मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है, अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूं और पुराना वाला मटेरियल मैं इसमें लगा दूं तो कम से कम ऑफर से कितने पैसे चार्ज कर दूं मटेरियल के नाम के। तो आप कहोगे जो मटेरियल आपके पास बेकार पड़ा हुआ है आप उसको मत बेचो, क्या फायदा, वो 2000 रुपए में बिकेगा, ऑफर के लिए आप 3000 रुपए में नया खरीदो, तो कोई समझदारी नहीं है। तो बेटर है यही वाला मटेरियल आप ऑफर में लगा दो और ऑफर से कितने रुपए चार्ज कर लो, 2000, किस नाम के, बेनिफिट टू बी लॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेटल कितनी होगी, 2000। क्लियर पार्ट बेटा, हम नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि जो मेटल मेरे पास है मैं वो क्यों खरीदूंगा, देयर इज नो क्वेश्चन टू परचेज द मटेरियल। क्लियर पार्ट बेटा, चल फटाफट केस नंबर 2 पर आते हैं हम, केस नंबर 2, ठीक है। अगर कोई टॉक्सिक नेचर का मटेरियल है, मतलब मैंने मटेरियल M2 खरीदा था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, और उसका नेचर क्या है, टॉक्सिक है, इसका मतलब आज वो बेकार है, तो मुझे हटाना पड़ेगा और हटाने में मुझे खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ रिमूवल, कॉस्ट ऑफ रिमूवल मुझे 4000 रुपए खर्च कर, 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी उसको ले जाकर कहीं मुझे नदी नाली में डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यू हैव टू इनकर 400 एज द कॉस्ट ऑफ रिमूवल, ठीक बात है। अब अगर मान लो आपके पास एक ऑफर आ जाता है, राइट, उस ऑफर में ये वाला मेटल लग जाएगा तो आपको हटाना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तो आप हटाते, ठीक है, या फिर आप बाजार से खरीद लो उसको, करंट परचेज प्राइस इसकी है 2000 रुपए। तो आप क्या कहोगे कि अगर इस ऑफर में ये वाला मेटेरियल मैं लगा देता हूं तो मैं हटाने से बच जाऊंगा, तो जो पैसे हटाने में खर्च करते वो पैसा आपके बच गए, तो पैसे का ना जाना भी तो आना हो गया, समझ के बाद दे। तो इसका वाला ऑफर की वजह से आपके 400 रुपए बच रहे हैं, खरीदने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी, जरा सोच के बताओ फटाफट से, रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी आपकी, नहीं तो आप कहोगे कॉस्ट तो कोई खर्च होगी नहीं, कॉस्ट टू बी इनकर्ड नील, राइट बे, बेनिफिट टू बी लॉस नहीं है, बेनिफिट टू बी अचीव्ड है, तो आप कहोगे बेनिफिट टू बी अचीव्ड, बेनिफिट टू बी अचीव्ड 400 रुपए, ठीक बात है, राइट बे। तो इसका मतलब ये कॉस्ट मेरी नेगेटिव आ गई, ये रेलिवेंट कॉस्ट। तो नेगेटिव का मतलब ये होगा कि ये मेटल की रेलिवेंट कॉस्ट है, इसमें लेबर जुड़ेगा, ओवरहेड जुड़ेगा। तो अगर मान लो लेबर की कॉस्ट 1000 रुपए आती है तो हम कस्टमर से 600 रुपए ले लेंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये मतलब नहीं है कि 400 रुपए कस्टमर को वापस करोगे, इसका मतलब है अगर कस्टमर से 400 रुपए कम मिले तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऑफर आपको 400 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। क्लियर पार्ट बेटा, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए थर्ड केस हमारे पास आता है, नेक्स्ट केस, सब्स्टिट्यूट यूज कहते हैं इसको, ठीक है, देखो ध्यान से क्या कहते हैं। एक हमारे पास M3 मटेरियल है, बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है, या तो वो कहते हैं हम इसको सेल करें एज ए स्क्रैप, हम इसको रद्दी के भाव बेच दें तो मुझे 1000 रुपए में बिक जाएगा वो, ठीक है, या फिर वो ये कहता है कि हम इसको ना M2 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं चेयर बनाने में, ध्यान दोस्तों ना, ये हमारा एक रेगुलर प्रोडक्ट है चेयर, चेयर बनाने में M2 मटेरियल लगता है, ये है वुड, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये है हमारे पास वुड, ठीक है, M2 है हमारे पास सनमाइका, ठीक है। तो वो कहता है कि प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि M3 मटेरियल जो वुड है वो मैं M2 की जगह इस्तेमाल कर सकता हूं तो मुझे M2 खरीदना नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ गई, इसका मतलब M2 की कॉस्ट मेरी बच जाएगी, पर वो कहता है कि M2 की करंट परचेज प्राइस तो है हमारे पास 1800 रुपए, बट इस पर पॉलिश करनी पड़ेगी मुझे, पॉलिश करके मैं इसको यूज कर सकता हूं और पॉलिश का खर्चा आएगा 100 रुपए, समझ में आ गई बात। तो या तो मैं बेचूं
1000 रुपए में बिक जाएगा, या फिर मैं M2 की जगह इस्तेमाल करूं 100 रुपए खर्च करके तो 1800 रुपए बचेंगे, यानी नेट तो बचेंगे 1700 रुपए। अब दोनों में से कोई एक काम करते, या तो बेचते या M2 की जगह इस्तेमाल करते। मीनवाइल मेरे पास एक ऑफर आ गया, राइट भाई। अब अगर मैं M3 उस ऑफर में लगा दूंगा तो फिर दोनों में से जो काम करता वो नहीं कर पाऊंगा। तो ऑफर से कितना चार्ज करें? अगर मैं M3 बाजार से खरीदूंगा आज, वो भी दे रखा है करंट परचेज प्राइस, मान लो वह है 2500 रुपए, तो अब क्या कहोगे? रुको सर, 2500 रुपए में खरीदने का कोई मतलब नहीं उठता। अगर आप M3 को ऑफर में ना लगाते तो आप क्या करते? या तो 1000 रुपए में बेचते या चेयर में M2 की जगह इस्तेमाल करते। दोनों में से वो काम करते जिसमें फायदा ज्यादा होता, तो वो काम करते 1700 रुपए वाला। अब ऑफर में लगा दोगे तो वो काम नहीं कर पाओगे, तो उतना बेनिफिट ऑफर से चार्ज कर लो। क्लियर बट बेटा? तो आप कहोगे रेलिवेंट कॉस्ट क्या कहलाएगी? बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट। ओके, कितना अमाउंट? हाँ जी, 1700। देयर इज नो क्वेश्चन टू परचेज विच यू हैव ऑलरेडी, हायर बेनिफिट टू बी लॉस्ट। क्लियर पार्ट पे चले, आगे चले, हायर बेनिफिट टू बी लॉस्ट, क्लियर है? चलो फटाफट दिखते आगे क्या कहते हैं। हाँ जी, रेगुलर यूज। अगर मेरे पास कोई मेटेरियल पड़ा हुआ है और उसका रेगुलर यूज नेचर का है, मतलब डेली यूज का है, बेकार नहीं पड़ा, जैसे घर में राशन होता है हमारे पास, आटा, मैदा, सूजी, चीनी, तो वो रेगुलर यूज के होते हैं। अब कोई अगर फंक्शन आ गया तो हम उसको थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, नया बाजार से लेकर आते हैं उस फंक्शन के लिए। तो सेम वही बात है, वो कहता है कि मेरे पास मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, और 500 सीमेंट के बैग मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए, बट ये रेगुलर बिल्डिंग बनाने के लिए है, ये मैंने खरीदे थे मान लो 600 रुपए के हिसाब से, और ये रेगुलर नेचर के, बेकार नहीं पड़े। अब मेरे पास एक ऑफर आ गया कोई गेस्ट हाउस बनाने का, ठीक है, उस ऑफर में मान लो ये 500 बैग चाहिए, और आज मैं खरीदूंगा तो मुझे मिलेगा 700 रुपए का, तो बताओ ऑफर से कितने चार्ज करोगे? तो अब क्या कहोगे? सर, जो रेगुलर नेचर का है आप उसको ऑफर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑफर के लिए चाहिए तो बाजार से खरीदो, यानी कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर। ठीक बात है, कितने में मिलेगा? 500 यूनिट मिलेंगे 700 रुपए के हिसाब से। ओके, क्लियर? ठीक है, जो रेगुलर नेचर का है वो ऑफर में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको रेगुलर काम में रखोगे। क्लियर पार्ट पे? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल। ठीक बात है, चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट, लेबर पर। ठीक है, चलिए लेबर में सबसे पहली बात आती है फर्स्ट केस, कैजुअल लेबर। ओके, कैजुअल लेबर कौन होते हैं? जिनको जब हम चाहे रख लें, जब चाहे हटा दें, मतलब मार्केट में भी फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक्स कंपनी को 100 लेबर चाहिए, ठीक है, एक ऑफर के लिए, और वो बाजार में मिल जाएंगे 1000 रुपए पर डे पर। हो सकता है हमारे पास रेगुलर काम के में भी वर्कर हों, तो उनको हम रेगुलर काम कराते रहेंगे, जो आपको नए लेबर चाहिए वो आप बाजार से अपॉइंट कर लोगे। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी? सिंपल सी बात, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर। ऑफर की वजह से आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो आप ऑफर से चार्ज कर लोगे। कितने पार्ट भी? कितने डेज के लिए? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, मान लो 4 दिन के लिए चाहिए तो 4 दिन के लिए। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात होगी हमारी। अब आते हैं परमानेंट, सेकंड बात करते हैं हम परमानेंट। अगर हमारे लेबर क्या है? परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या होता है? कि हमने उनको एग्रीमेंट के थ्रू रख लिया कि काम होना हो हम आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो या तो हमने एग्रीमेंट किया हो कि हम उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, नॉट टू रिट्रेंच्ड, हम उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, या फिर लिखा हो आइडियल वेजेस, हम उनको खाली बिठाकर पैसे दे रहे हैं,
या फिर लिखा हो अंडर यूटिलाइज्ड, ये तीन बातें लिखी हो तो परमानेंट होते हैं। अगर तीनों में से कोई भी ना हो तो साइलेंट हो तो कैजुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास 100 लेबर हैं और मैं इनको 1000 रुपए पर डे दे रहा हूं, ठीक है। अब अंदाजा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट 10 डेज के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, दे हैव नो वर्क टू डू, इनके पास कोई काम नहीं है अगले 10 दिन में करने के लिए, पर मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मेरा एग्रीमेंट है। मेरे पास एक ऑफर आ गया, ठीक है, जिसमें 60 लेबर चाहिए फॉर नेक्स्ट 7 डेज, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, बाजार से तो ना लाओगे, इन 100 में से 60 लेबर से काम करा लोगे। अगर मैं काम नहीं करवाता तो इनको तो खाली बिठा के पैसे देता, तो क्या फायदा? पैसे तो वैसे भी जाने हैं, तो ये कॉस्ट कहलाएंगे संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? या तो पास्ट या फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। आप क्या करोगे? हाँ जी, 60 लेबर से काम करा लोगे आउट ऑफ 100, पेमेंट आपको ऑफर की वजह से देनी नहीं पड़ेगी, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी यहां पर मेरे पास? हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी नील, क्योंकि इन 100 लेबर को अगर ऑफर नहीं आता तो भी तो मुझे खाली बिठाकर पैसे देने पड़ते। बात समझ में आ गई? अब काम करा लो। अब ये ध्यान रखना, अगर मुझे 100 से ज्यादा लेबर चाहिए तो 100 लेबर तो ये रख लेंगे और बाकी के लेबर बाजार से ले आएंगे, तो जो बाजार से लाओगे वो पार्ट रेलिवेंट हो जाएगा। क्लियर बात बेटा? चलो अच्छा, तीसरा आता है इसमें कैजुअल है और बिजी है और शॉर्ट सप्लाई है। मतलब हमारे लेबर है तो कैजुअल, कोई परमानेंट वाली बात नहीं है, बट रेगुलर काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बाजार से हम अपॉइंट कर नहीं सकते, ये शॉर्ट सप्लाई। तो मान लो एक्स कंपनी के पास एट प्रेजेंट इस टाइप के लेबर हैं और वो कहता है मेरे पास अभी जो 100 लेबर हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट 10 डेज के लिए बिजी है, यानी मैं उनसे रेगुलर काम करवाऊंगा तो मुझे इतनी रेवेन्यू ला के देंगे 1,00,000 रुपए अगले 10 दिन में, और इतना मेरा मेटल का खर्चा होगा, और इन 10 दिनों में लेबर को मैं पैसे दूंगा 10,000 रुपए, तो मैं उन लेबर से इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा, ठीक है। बिजी है क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के दे रहे हैं। मेरे पास एक ऑफर आ गया, उस ऑफर में मुझे यही लेबर चाहिए, ठीक है, बाजार से ला नहीं सकते आप क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, ऑफर एक्सेप्ट करना है, तो इन्हीं लेबर को डाइवर्ट करोगे। अगर मैं ये वाला काम रोकूंगा तो 70,000 गए आपके, ये के तो काम करा सकते हो, ये तो रेगुलर ऑफर, तो ऑफर से कितने रुपए चार्ज करोगे लेबर के नाम के ताकि आपका नुकसान ना हो? 70,000। अगर ये 70 तो आपके जेब में आ रहे थे लेबर को देने के बाद, समझ गए, तो आप इतने रुपए चार्ज करोगे ताकि लेबर को देने के बाद 70,000 आपके पास आ जाए, यानी लेबर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, ओके, टोटल मिलाकर 80,000 आप चार्ज कर लोगे, ठीक है। बात है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये मेरा वर्कर है रामलाल, ठीक है, इसको हमने कहा कि भाई तू मंदिर जा और अपना खाना खाया मेरा ले आ, समझ गए, अपना ये अपना खाना खा ले और मेरा ले आइयो। अब अगर मैं इसको कहीं और भेजता हूं गुरुद्वारे तो भी तो ये कहूंगा भैया अपना खाना खाया ही हो मेरा ले आइयो, बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि ये डाउट ना है कि केवल 70 चार्ज करूंगा, तो 10 देने के बाद 70 बच रहे थे, तो 10,000 भी चार्ज करोगे 70,000 भी चार्ज करोगे, क्लियर पॉइंट भाई। ये मत कहना मटेरियल, अब अगर मैं ऑफर में लगा दूंगा तो मटेरियल खर्चा आएगा ही नहीं, ठीक है, चलिए क्लियर पॉइंट बेटा। तो रेलिवेंट कॉस्ट बनी लेबर प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। अगला केस है परमानेंट एंड बिजी, ठीक है, और शॉर्ट सप्लाई सेम, ठीक है। मान लो एक्स है, इसके पास अभी 100 लेबर हैं, पर है नेचर परमानेंट, रेगुलर अगले 10 दिन में
ये मुझे इतना कमा के देते, रेवेन्यू 1 लाख, मेटीरियल 10,000, लेबर को 20,000, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना जरा। अब अगर मैं इनको ऑफर में भेज दूं तो ये वाला काम रुक जाएगा, है परमानेंट। इसका मतलब ध्यान से सुनो, पहली बात तो बाजार से ला नहीं सकता, ऑफर का काम करना है तो इन्हीं लेबर को डाइवर्ट करोगे आप? सोच के बताओ क्या कहोगे। सर जी सबसे पहली बात तो ये कॉस्ट मेरी संक है, क्योंकि अगर ये काम भी ना होता तो भी तो मुझे खाली बैठा कर पैसे देने होते, ये तो संक है, इसको तो संक को हमेशा हटाते हैं, संक को हमेशा हटाते हैं, ठीक बात है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन लेबर को कहीं और यूटिलाइज करता तो 10,000 रुपए खर्च करके 1 लाख रुपए कमाता, क्लियर? तो 90 मेरी जेब में आते, राइट? तो अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट 90,000 तो हुआ, तो आप क्या कहोगे? कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट कौन सा? 70,000 नहीं, इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट, दैट इज 90,000। यानी इसको हटाते आप, 1 लाख माइनस 10,000, आगे बस समझ में। लेबर कॉस्ट क्यों हटाई? क्योंकि ये संक है और संक हमेशा हर जगह से हटाते हैं। आएगा आंसर वही, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए फटाफट अगला आता है मशीन, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है? इसमें फर्स्ट केस है ऑब्सोलीट। एक आपके पास M1 मशीन है, आपने खरीदी थी, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो ये कहता है, अच्छा एक मिनट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मत लिखो, बुक वैल्यू ले लो। अब इसको ऐसे करो, ये आपने परचेज करी थी मान लो 1 लाख रुपए में, ठीक है, बुक वैल्यू परचेज्ड, ओके, बेकार पड़ी हुई है, लाइफ पूरी हो गई। आज अगर इसको बेचोगे तो ये बिक जाएगी 15,000 रुपए में, राइट? क्लियर पार्ट? करंट परचेज प्राइस भी दे रखी है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज खरीदोगे तो 1.5 लाख रुपए की आएगी। अब मेरे पास एक ऑफर आ गया, ठीक है, उस ऑफर में अगर मैं मशीन लगा देता हूं तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, तो कितने में बिकेगी? 15,000 रुपए में। बट ऑफर जिंदगी भर का तो है नहीं, ऑफर हमारा मान लो 6 मंथ का है, अब अगर 6 महीने बाद बेचोगे तो ये 10,000 की बिक जाएगी। ये तो आज बेच रहे हैं और ये 6 महीने बाद, तो क्या कहना चाहते हो? खरीदने की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बस मशीन है, बेकार पड़ी है। अगर ऑफर नहीं आता तो मैं 15,000 रुपए में बेचता, ठीक है, ऑफर की वजह से 6 महीने बाद बेचूंगा, तो 6 महीने में ऑफर में रखूंगा उसको, तो ऑफर की वजह से मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 5,000 रुपए का ऑफर से चार्ज कर लो, तो अब क्या होगा? नेट बेनिफिट टू बी लॉस्ट, नेट बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर कितना? 5,000। डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, क्लियर बात बेटा, राइट? चलिए अगला आता है हमारा, हाँ जी, रेगुलर नेचर का। अगला आता है हमारा रेगुलर नेचर, अगर कोई मशीन मेरे पास है, ठीक है, मान लो M2 मशीन है, रेगुलर नेचर की है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, वेल्डिंग मशीन रेगुलर नेचर की पड़ी रहती है हमारे पास, ठीक है, तो वो कह रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज खरीदोगे, ठीक है, हाँ जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है उन्होंने टुडे, हाँ जी, ये कहता है आज अगर खरीदोगे तो मशीन 1 लाख रुपए की मिलेगी, बहुत ध्यान से सुना, ठीक है, और 1 साल के बाद आफ्टर वन ईयर का मतलब क्या हो गया कि मैं 1 साल के बाद उसको खरीदूं, ठीक है, 95,000, बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि अगर 1 साल के बाद 1 साल पुरानी मशीन खरीदो, 1 साल के बाद 1 साल पुरानी मशीन खरीदो तो 95,000 की है, ठीक है, रीसेल वैल्यू,
आज खरीद के बेचोगे तो बिकेगी 90 की, एक साल बाद उसको सेल करोगे बाजार में तो 40,000 की। क्लियर बात? चलिए, ये M2 का रेगुलर नेचर है। अब मेरे पास एक ऑफर आ गया, राइट, उस ऑफर में मुझे M2 मशीन चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे? बाजार से खरीदोगे। आज बाजार से खरीदोगे नई मशीन, क्योंकि जो ऑलरेडी है मेरे पास वो तो मैं इस्तेमाल करूंगा नहीं, मेरा रेगुलर काम रुक जाएगा। ध्यान दो ना, पर ऑफर एक साल का है, ऑफर सिर्फ एक साल का, जिंदगी भर का तो ऑफर है नहीं, तो क्या करोगे आप? नई मशीन बाजार से खरीदोगे, डेट इज कॉस्ट टू बी इनकर्ड। आज खरीदोगे तो 1,00,000 रुपए की मिलेगी नई मशीन। क्लियर पांडे? अब एक साल के बाद मशीन का क्या करोगे, सोच के बताओ, क्या बेच दोगे 40,000 रुपए में? सर रेगुलर नेचर है, इसका मतलब, रेगुलर नेचर का मतलब होता है कि मशीनें फैक्ट्री में हमेशा चाहिए रहती हैं, इनकी आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है, क्या फायदा बेचो, इसको रेगुलर में ट्रांसफर कर दो और रेगुलर वालों से पैसे ले लो। तो रेगुलर वाले क्या कहेंगे, एक साल पुरानी मशीन मांगकर हम बाजार से खरीदेंगे तो 95,000 की मिलेगी, तो आपको दे देंगे, यानी ट्रांसफर टू रेगुलर इंस्टेड ऑफ सेल। क्लियर पॉइंट भाई? तो आप कहोगे मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, मैंने 1,00,000 रुपए में खरीदी थी और एक साल के बाद मैं रेगुलर में ट्रांसफर करूंगा तो वो मुझे 95,000 रुपए दे देंगे, उनको खरीदनी नहीं पड़ेगी। क्लियर पॉइंट भाई? तो ये कहलाएगा रेलिवेंट कॉस्ट, एक तरीके से ये रेलिवेंट डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर हो गया पार्ट बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला आता है ओवरहेड्स। तो इसको ना सिंपल से ऐसे समझना, मशीन का अगर ऑब्सोलीट है तो डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, रेगुलर नेचर की है तो डिफरेंस ऑफ करंट परचेज प्राइस। ठीक है, ओवरहेड में दो होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड और एक फिक्स्ड, राइट। वेरिएबल ओवरहेड हमेशा काम के होंगे, ऑलवेज रेलिवेंट, क्योंकि ये तभी इनकर होंगे जब हम काम करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड में दो होते हैं, एक अवॉइडेबल और एक अनअवॉइडेबल। क्लियर? अनअवॉइडेबल अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, जैसे फैक्ट्री करंट, मशीन का डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, मतलब ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, ये तो हमेशा इनकर होते रहेंगे, तो ये हमारे लिए संक कॉस्ट होती है। क्लियर पॉइंट? अवॉइडेबल जो ऑफर की वजह से खर्च हो, जैसे कोई ऑफर आ रहा है उसके लिए आपको मशीन चाहिए, किराए पे मिल रही है, ऑफर आ रहा है, कोई एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर रहे हो, उसको पेमेंट दे रहे हो, ऑफर खत्म, सुपरवाइजर को हटा दिया टेम्परेरी, तो वो ऑफर से चार्ज कर लोगे। ठीक है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा रेलिवेंट होंगे। अनअवॉइडेबल ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा होगा, अपोर्शनमेंट, ठीक है, हाँ जी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, एलोकेटेड, राइट। इन तीनों का मतलब होता है कि ऑफर की वजह से हमारा खर्चा आउटफ्लो नहीं बढ़ेगा, अपोर्शनमेंट चेंज होगा, इसलिए हम इसको रेलिवेंट नहीं कहते हैं। मतलब एक बार जरा मीनिंग समझ ले, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं, एक फादर की संपत्ति है, ठीक है, वो तीन बेटे हैं उसके, तो तीनों में बटेगी, फादर की संपत्ति भी बेटे का हक है, वो कहलाता है अपोर्शनमेंट, वो कहलाता है अपोर्शनमेंट, राइट भाई, ठीक बात है। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो बेटे ने खुद कमाई, वो तो बाकी में नहीं बटेगी ना, तो वो कहलाएगी एलोकेशन, वो कहलाएगी एलोकेशन। आगे बात समझ? अब जो भी अपोर्शनमेंट और एलोकेशन का हिस्सा आता है उनकी संपत्ति, वो उनके बेटों में बटती है, यानी ये टोटल खर्चा उनके बेटों में बटेगा, वो कहलाएगा एब्जॉर्ब। अब मैं प्रोडक्ट पर आता हूं, कोई भी कंपनी का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट है, मैनेजर की सैलरी है, सभी प्रोडक्ट में बेस लेकर बांटते हैं, रेंट एरिया वाइज बांटते हो, सैलरी नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बांटते हो, दैट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। कोई एक सुपरवाइजर
एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया है, वो बाकी में काम नहीं करता, तो उसकी सैलरी उसी में जाएगी, डेट इज एलोकेशन। उस डिपार्टमेंट के दोनों खर्चे टोटल करके उस डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट पर जाएंगे, डेट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर पांडे? तो ऑफर की वजह से हमारा अपोर्शनमेंट चेंज हो सकता है, बट इट डज नॉट चेंज इन कैश आउटफ्लो। क्लियर हो गया पांडे? चलिए, ये हो गया हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। क्लियर पार्ट बेटा? हाँ जी। अब इसमें यह भी ध्यान रखना, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, हमें प्रॉब्लम आती है कौन सी स्टेटमेंट कहां बनाए, अगर मेरे पास एक ऑफर आता है राइट, और मैनेजमेंट पूछते हैं कम से कम क्या प्राइस चार्ज करें, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, तो हम हमेशा बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। क्लियर पार्ट? अगर मेरे पास एक ऑफर आता है और उसमें रिवेन्यू भी मालूम है और कॉस्ट भी दी हुई है, वो पूछ रहा मैं एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, आपसे क्या पूछ रहा है, ईदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिवेन्यू दे रखी है तो आप क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। क्लियर पार्ट? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। और अगर एक से ज्यादा ऑफर है, वो पूछ रहा है कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करूं, तो बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। क्लियर पार्ट बेटा? तो ये बेसिकली हमारे पास तीन चीजें आती हैं हमेशा, राइट? क्लियर हो गया पार्ट? चलिए, ये तो था रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, राइट भाई? अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मेक और बाय डिसीजन। ओके, कोई भी कंपोनेंट पार्ट हम घर में बनाए या बाजार से खरीदे, इसका डिसीजन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेक और बाय का डिसीजन सिर्फ एप्लीकेबल होता है कंपोनेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए कहलाता है आउटसोर्सिंग पार्टी यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सबसे पहली बात, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपोनेंट, ठीक है। अब हमें डिसीजन लेना है कि भाई जैसे बाइसिकल है, तो बाइसिकल में चेन घर बनाइए बाजार से खरीदें, ठीक है। टेलीविजन सेट है, ठीक है, उसमें कैबिनेट घर बनाई या बाजार से खरीदें, राइट भाई? सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसमें एम्प्टी ट्यूब घर में बनाई या बाजार से खरीदें, कौन मतलब इंटीग्रल पार्ट की बात नहीं आती है। जैसे टेलीविजन सेट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका जो मेन पार्ट है, समझ गए, कार है, इंजन है, ये नहीं कहेंगे, तो जो हमारा कंपोनेंट पार्ट है उसकी बात करते हैं हम, कि वो हम घर में बनाए या बाजार से खरीदें, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है नॉन फाइनेंशियल, कि अगर हमें बाजार से सस्ता मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खरीद लें। हम मैनेजमेंट को ये समझाएंगे कि अगर बाजार से वो कंपोनेंट सस्ता मिल रहा है तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है, राइट भाई? तो आप ये देखोगे, मैनेजमेंट को समझाओगे कि बाजार से अगर सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्वालिटी चेक करोगे, यानी द कंपोनेंट शुड बी क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप ये बताओगे कि अगर बाजार से सस्ता मिल रहा है तो वो सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी दे, वो सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी दे, क्योंकि अगर समय से पहले दे देगा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, समय के बाद देगा प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो हमें टाइम से डिलीवरी चाहिए और क्वालिटी चाहिए, ठीक है। तीसरा प्राइस, भाई सीधी सी बात है ना, हम उसके लिए कस्टमर हैं तो क्या चाहते हैं, सस्ता टिकाऊ बढ़िया, मतलब जो प्राइस एक बार सेट हो जाए और हम अपने रिसोर्स हटा दें तो ऐसा ना हो कि वो कुछ समय के बाद प्राइस बढ़ा दे। तो ये तीनों बातें हमें पहले कंसिडर कर लेनी चाहिए, फिर हम सोचेंगे बनाएं या फिर खरीदें, ओके। चलिए, उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग परचेज, तो ये हमारा होता है या तो पर यूनिट या टोटल में, राइट? ये ध्यान रखना, हमेशा कहलाएगा रेलिवेंट कॉस्ट पर, हमेशा क्या कहलाएगा, रेलिवेंट कॉस्ट, ओके। हाँ जी, बनाने में कितना खर्चा आएगा वो लेते हैं हम, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, राइट, ड्यू टू मैन्युफैक्चर, ओके। इसमें क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, मटेरियल,
राइट भाई, लेबर वेरिएबल ओवरहेड, अगर कोई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होंगी तो ये आ जाएगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड में, ओके। परचेज कॉस्ट, ठीक बात है, हाँ जी, ये दोनों हम कंपेयर कर लेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैव द लीस्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट संक होती है हमेशा ध्यान रखना, राइट भाई, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट दोनों में आएंगी, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होगी दोनों में आएगी, वो हमारी क्या होती है संक कॉस्ट, उसको हम कंसिडर नहीं करते। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिक्स कॉस्ट के बारे में तो हमेशा अनअवॉइडेबल लेके चलते हैं, क्लियर बात बेटा। दूसरा, अगर हमारे पास रिलीज कैपेसिटी का बेनिफिट हो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मुझे बाइसिकल चेन बनानी है, ठीक है, ए डिपार्टमेंट में हम बना रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट है उसकी मान लो 50 रुपीज, फिक्स कॉस्ट का बर्डन है 40 रुपए, ठीक है, क्वांटिटी बना रहा हूं मैं 10,000। अब वो कहता है बी डिपार्टमेंट बाजार से खरीद सकता है उसको, बी डिपार्टमेंट बाजार से खरीद सकता है मान लो 60 रुपए में, ठीक बात है। अब आप कहोगे सर ये तो संक कॉस्ट है, छोड़ दो, घर में बनाने में सस्ता है, बाजार से खरीदने में 10 रुपए के हिसाब से महंगा है, 10,000 पर ही 1,00,000 का नुकसान है। बट अगर बाजार से खरीदेंगे तो ए जिस कमरे में बना रहा था उसको किराए पे दे देगा, यानी रिलीज कैपेसिटी, यानी रिलीज कैपेसिटी कैन प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ 1,20,000, रिलीज कैपेसिटी से मुझे 1,20,000 का फायदा होगा, क्लियर पार्ट। अब क्या दोगे डिसीजन, तो अब आप ऐसा करोगे स्टेटमेंट बनाओगे इस क्वेश्चन में, कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाँ जी, रेलिवेंट 50 रुपए पर यूनिट, परचेज कॉस्ट 60 रुपए, तो आप कहोगे बाजार से खरीदने में मुझे 10 रुपए का लॉस है, राइट भी, पर लॉस उठाकर मैं खाली जगह कर लूंगा और खाली जगह को कहीं ना कहीं किराए पे दे दूंगा या कुछ और बना लूंगा, तो इतना होना चाहिए कि जो लॉस है बाजार का वो कवर हो जाए। तो अगर मैं बाजार से खरीदूंगा तो कितना लॉस होगा मुझे 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 यूनिट है, ठीक है, अगर बाजार से खरीदने पर 1,00,000 रुपए का लॉस है, ये क्या कवर हो जाएगा खाली जगह को किराए पर उठा दूं तो, बेनिफिट फ्रॉम रिलीज कैपेसिटी कितना कितना कह रहा है वो 1,20,000। तो आप कहोगे 1,00,000 रुपए का घाटा उठाकर 1,20,000 रुपए कमाना फायदेमंद है, राइट भाई, तो इसका मतलब आप कंपोनेंट महंगा बाजार से ले लो क्योंकि वो लॉस आपका कवर हो रहा है, क्लियर पॉइंट भाई, ये हमारा कहलाता है मेक और बाय डिसीजन में, ओके। आगे चलते हैं हम, मेक और बाय विद की फैक्टर, मेक और बाय विद की फैक्टर, ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं देखो ध्यान से कि की फैक्टर किसे कहते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा शॉर्ट सप्लाई में हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, ओके। अच्छा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहोगे आप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहेंगे हम, मटेरियल, लेबर, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ये कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई का मतलब होता है कि सर इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्वायर परचेज सच रिसोर्स फ्रॉम द मार्केट, जितना है उतना में गुजारा करो, समझ में आ गई बात, इट्स नॉट पॉसिबल टू परचेज, ठीक है, टू एक्वायर मैनेज फ्रॉम मार्केट इन शॉर्ट पीरियड,
लॉन्ग पे तो हो जाएंगे अभी नहीं, ठीक बात है, अगले शॉर्ट पीरियड में बाजार में उपलब्ध नहीं है। मेटेरियल के लिए परचेज, लेबर के लिए एक्वायर, ठीक है, मशीन और मैनेज, लेबर भी। तो क्या करेंगे, जितना है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। इट मींस भाई जिस चीज की कमी है तो ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, वी शुड यूटिलाइज द रिसोर्स इन ऑप्टिमम मैनर। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, जिस चीज की कमी होती है उसका अधिकतम उपयोग करते हैं ना बच्चों, ठीक है भाई। अब ऑप्टिमम मैनर का मतलब क्या होता है, जहां फायदा वही कायदा। एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, इसमें बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। अच्छा, शॉर्ट सप्लाई कैसे पता लगाएंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी है। क्लियर पार्ट भी। चलिए मान लो हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना, कंपोनेंट कभी भी मार्केट में सेल नहीं होता, यूज होता है, ओके। तीनों में हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ओके। चलो दो ले लेते हैं, ओके, हाँ जी, ये है 10 रुपए 15 रुपए, मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अब कह रहा है परचेज कॉस्ट, ठीक है, मान लेते हैं इसकी परचेज कॉस्ट है 12 और इसकी 20, क्या कहोगे, सर जी दोनों कंपोनेंट को बनाने में फायदा है क्योंकि परचेज कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है। ओ भाई बना नहीं सकता ना, रिसोर्स नहीं है, बना तो लूं। तो आप कहोगे सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग 2 रुपए और 5 रुपए, बनाने में 2 रुपए का फायदा है, बनाने में 5 रुपए का फायदा है। तो अब सर ज्यादा फायदा इसमें आ रहा है, रुको रुको रुको, मान लो मशीन ऑवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, ये नहीं है बी को बनाने में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। अरे भाई रुको, मान लो बी का एक बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं और इसका एक बनाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 5 घंटे में 5 रुपए बचेंगे। सर जी उन 5 घंटों में तो 1 के 5 बन जाएंगे, 10 रुपए बच जाएंगे। क्लियर है? तो बेस आप लोगे क्या, सेविंग सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है भाई, समझ में आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 1, ओके, यानी 1 घंटे में 1 रुपया कमाएंगे, 1 घंटे में 2 रुपए बचत होगी। यानी बनाने में अगर मशीन ओवर लिमिटेड है तो हर घंटे में 2 रुपए का फायदा होगा, यहां 1 रुपए का फायदा। इसका मतलब होगा भैया पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये बनाओगे और फिर ये बनाओगे। क्लियर पार्ट भाई? तो ये कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस परचेज। तो आप टू द रिक्वायरमेंट पहले ए बनाओगे और फिर बी बनाओगे, उसके लिए क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम कंपोनेंट मिक्स, ठीक है, राइट भाई, ए और बी। तो आप कहोगे मान लेते हैं एक ही, एक भी फर्स्ट रैंकिंग आ रही है ना, ए के बनाते हैं चलो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तक 1000, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तक, ठीक है, एक बनाने में 1 आवर, तो 1000 घंटे हो गए। अब वो कहता है बी की भी 1000 है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, बट मेरे पास कुल मिलाकर 5000 घंटे ही हैं, तो मैं इसके 1000 तो नहीं बना सकता ना, 5000 घंटे तो है ही नहीं टोटल भाई, 5000 यहां जाएंगे तो 6000 घंटे हो जाएंगे ना, नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1000 नहीं बना सकता। यानी बैलेंस ऑवर्स में आप बी बनाओगे कितने, 800, ये कहना चाह रहे हैं। तो बी के 200 बाजार से खरीद सकते हो, बोलो क्लियर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो गया पार्ट बेटा, राइट, चलिए, हाँ जी चलिए बेटा, देखो डिसीजन मेकिंग में जो अब तक हमने किया है उसके बाद एक और हमारा पॉइंट आ जाता है कि ठीक है कॉस्ट बेनिफिट हम बनाते हैं कि भैया रिवेन्यू हमारी ज्यादा है कॉस्ट से तो हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, ये इस तरीके की बातें, या मिनिमम प्राइस हम मैनेजमेंट को समझाएंगे कि भैया अगर कस्टमर इतने पैसे दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ओके। एक और भी होता है कि भैया सब कुछ प्रॉफिट पर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, मतलब हर चीज का डिसीजन फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है
पैसा कमाना है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, हम उसको पैसा कमा के देना है, मानते हैं, पर हमारे कुछ और फर्ज भी तो हैं साथ में, हम सोसाइटी का पार्ट भी तो हैं। हम ऐसा ना करें कि भैया पैसा कमाने के चक्कर में सोसाइटी को हार्म करें। तो शेयर होल्डर्स के अलावा और भी तो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं हम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, ठीक है, इसको नॉन कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। एथिकल्स मतलब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को भी मद्देनजर रखना अति आवश्यक है। ये क्या होते हैं, मतलब अदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं सर, हमारी सोसाइटी, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे कस्टमर, नहीं भी, तो हमें इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट, ये कहलाते हैं हमारे अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अगर हम पैसा कमाने के चक्कर में सिर्फ शेयर होल्डर्स का ध्यान रखें और एम्प्लॉइज का ध्यान ना रखें कि भाई हम अपने फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन अच्छी ना रखें, तो एम्प्लॉय भाग जाएगा। तो एम्प्लॉय की सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है, नहीं भी, उसको सेफ्टी देना, उसको सेटिस्फाई रखना, ठीक बात है, कस्टमर है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब ये मतलब नहीं है ना कि कस्टमर से बस पैसा ले लिया और भैया भूल चूक लेनी देनी, तुम कौन और हम कौन, तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना हमारा मेन पार्ट है, लेबर को सेटिस्फाई करना, ठीक बात है। सोसाइटी मतलब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, हम कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जो पॉल्यूशन को इफेक्ट कर रही है, नहीं, क्योंकि सोसाइटी में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है हमारे। तो अगर हम सोसाइटी, हाँ, अगर हम एनवायरमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हम उनको मेंटेन तो करें, हम उनको एडवर्स इफेक्ट ना पहुंचाएं, ये एथिकल कहलाता है बेसिकली। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें इन पॉइंट पर भी ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करो, मतलब विद इन द रूल काम करो, प्रॉपर आप टैक्स पे करो, प्रॉपर आप जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो पे करिए, समझ रहे बात को, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भैया गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई इस ये फॉरेस्ट एरिया है रिजर्वेशन, यहां पर आप कोई अपना कमर्शियल प्लांट नहीं लगा सकते। अब आप सोच रहे हो कि यार वहां के जो वो है ना अथॉरिटीज, हम उनको रिश्वत देके किसी तरह से अपना प्लांट का सैंक्शन करवा ले और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दे, प्रॉब्लम होगी, अनएथिकल कहलाएगा। तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देना है, इसको बोलते हैं हम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। इससे क्या होगा सर, क्या दिक्कत है, एक बार आपने रिश्वत दे दी तो आपका प्लांट तो चल पड़ेगा ना, अरे बेटा नहीं, अगर मीडिया को पता लग गया, वहां के लोग आपस में बात करेंगे ये कैसी कंपनी है, नहीं, तो हमारी रेपुटेशन पर इफेक्ट आएगा, रेपुटेशन पर इफेक्ट आते ही हमारी ब्रांड इमेज खत्म हो जाएगी, ब्रांड खत्म होते ही हमारे शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, फिर इन्वेस्टर भी भाग जाएगा, तो अल्टीमेटली नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल को प्रभावित कर जाएंगे ना, नहीं, तो नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल को प्रभावित कर जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नॉन फाइनेंशियल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंस फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। तो हमें एथिकल का मतलब हुआ कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो सोसाइटी को एडवर्स इफेक्ट करे, अनएथिकल हो। अनएथिकल का मतलब हम अपने एम्प्लॉयज का ध्यान में रखें, एम्प्लॉय का शोषण ना करें, किसी भी वेंडर से आप सामान ले रहे हो पता लगा वहां पे चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, तो ये एथिकल नहीं है, ठीक है। आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, वो केमिकल एमिट कर रहे हो, वो पोल्यूशन को इफेक्ट कर रहा है, वो नहीं, आप इसके लिए क्या करो, एक अलग से कोई इक्विपमेंट रखो जो रिफाइन करके गैस एमिट करे, ताकि मतलब कोई चिमनी ऐसे लगाओ, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हम बेसिकली। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये हमारे फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के, अगर हम इनको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो कंपनी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, डायनेमिक कस्टमर का बिहेवियर चेंज होता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो उन सब की वजह से भी नॉन फाइनेंशियल इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आ गया हमारे पास, हाँ जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
लेबर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी, गवर्नमेंट रूल्स, इसको बोलते हैं सीएसआर भी कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आजकल तो ये गवर्नमेंट ने एक तरह से जरूरी भी कर दिया कि आपको अपनी इनकम का इतने परसेंटेज इस पर खर्च करना है। जब भी फर्नीचर बना रहे हो, आप पेड़ों को काट रहे हो, तो भैया अपनी इनकम का कुछ पार्ट ऐसा खर्च करो कि पेड़ और लगे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम कंज्यूम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। क्लियर बात बेटा? इसको बोलते हैं हम नॉन फाइनेंशियल, मतलब हम कोई ऐसा काम ना करें जो अनएथिकल हो। भाई मान लो हम कहीं ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर हमें वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पानी नेचुरल रिसोर्सेज है, और उस एरिया में वाटर लिमिटेड है, मतलब वाटर की राशनिंग कर रखी है गवर्नमेंट ने कि इससे ज्यादा वाटर एक कंपनी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमारा मैनेजमेंट कई बार क्या सोचता है, अरे छोड़ो ना, मीटर को थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, जो मीटर रीडिंग करने वाला आता है उससे सेटिंग कर लो तो मीटर रीडिंग कम दिखा देगा, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा। तो ये अनएथिकल व्यूज कहलाता है। इसमें आपको अपना व्यूज देना होता है कि आपका मैनेजर कह रहा है, आपके पास आया कि सर देखो अगर हम मीटर में टैम्परिंग कर देंगे ना, या ये मीटर जो रीडिंग लेने आता है उसको हम एक ब्राइब दे देंगे तो वो लेगा 50,000 रुपए मुश्किल से, इससे हमारा 10,00,000 का फायदा हो जाएगा। तो अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या मैं 50,000 खर्च करके 10,00,000 कमाऊं, हालांकि प्रॉफिट बढ़ेगा बट इससे क्या होगा, अनएथिकल है। अगर कल को कंपटीटर को पता लग गया तो वो कंप्लेन कर देंगे, तो जो ऑलरेडी कमा रहे हैं वो भी जाएगा। मीडिया को पता लग गया तो वो सोशल मीडिया में पब्लिश कर देंगे, ब्रांड इमेज को खतरा हो जाएगा। जैसे ही ब्रांड इमेज डाउन होगी इन्वेस्टर भी भाग जाएंगे, कस्टमर भी हमसे सामान नहीं खरीदेगा, तो भैया जो रहा सा है वो भी चला जाएगा। समझ के बात, तो ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन बताना है। ठीक है, और ये बताना है कि क्या अनएथिकल है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके क्या उपाय हैं। क्लियर बात बेटा? राइट, ठीक है। चलिए हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर इस केस स्टडी पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ठीक है, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखें। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मीन्स लाइक, हाँ जी, कंसर्न ऑफ, हाँ जी, अदर स्टेक होल्डर, अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अदर स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं हमारे, हाँ जी बताओ, अदर स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय, हमारे स्टाफ, नहीं, ठीक बात है, हमारे कस्टमर, हमारे कस्टमर, ठीक है, गवर्नमेंट, मतलब सोसाइटी, ठीक बात है, राइट, हमें इनका ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन ध्यान में रखनी है। ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, हाँ जी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है हमारे पास से। ठीक है, और नो एडवर्स इफेक्ट, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, ठीक है, सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट ना हो, फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल्स,
फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक बात है, ये कहना चाहते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ठीक है, तो इनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक बात है, हाँ जी, वी शुड कंसिडर। ठीक है, हाँ जी, लिखना नोट को, वी शुड कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स इन टेकिंग द डिसीजन। किसी भी अंतिम निर्णय पर आने से पहले इनका भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है, नहीं तो कंपनी चल नहीं पाएगी आगे के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल आर नेसेसरी, ठीक है, बट नॉट ओनली द क्राइटेरिया। ठीक है, वी शुड कंसिडर, भाई जैसे कहते हैं ना, पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है, वही बात है, वी शुड कंसिडर दीज फैक्टर्स बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन, बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन, राइट, फाइनल डिसीजन से पहले इनको लेना, इनको कंसिडर करना जरूरी है, क्या दे फेवरेबल और नॉट। ठीक है, बिकॉज दीज आर इक्वली, these are equally relevant for long term survival। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है ये। ठीक है, राइट बे, ऑल दो फाइनेंशियल जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, फाइनेंशियल, हाँ जी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इज नेसेसरी फॉर इसके लिए, शेयर होल्डर्स वेल्थ के लिए, फॉर शेयर होल्डर्स वेल्थ भाई, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का मना कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, बट इन्हीं पर ध्यान ना लगाएं। ठीक है, वी शुड फोकस इक्वली ऑन, हाँ जी, फाइनेंशियल equally financial as well as non-financial, ठीक है, मतलब हमें equally importance देनी है उनको। ठीक है, अगर हम non-financial को ignore कर देंगे तो long term नहीं रह पाएंगे। ठीक है, clear है पार्ट भाई, हाँ जी, आपको note करना है तो फटाफट आप एक बार note कर सकते हो। ठीक है, ये pause करके, पैसा जरूरी है पर सब कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, हाँ जी, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन में क्या आता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की सेफ्टी, ठीक है, सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट ना आए, गवर्नमेंट के सारे नियम कायदे फॉलो करें, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक बात है, क्योंकि मतलब कंपनी को बैलेंस बना के चलना है दोनों के बीच में, हमें बैलेंस बनाना है दोनों के बीच में। ठीक है, नोट कर लिया, हमें बैलेंस बनाना है, हमें क्या करना है, बैलेंस। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कंपनी शुड, हाँ जी, मेक ए बैलेंस बिटवीन financial as well as non-financial।
एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ क्यों जरूरी है, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्या होता है, हाँ जी क्यों, द रीजन इज, रीजन क्या है हमारे पास, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। हाँ जी, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है तो उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है, चेंज इन कस्टमर नीड, कस्टमर की आवश्यकता, उसका टेस्ट चेंज होता रहता है, ठीक है, कस्टमर का टेस्ट बदलता रहता है। आज ये कभी कुछ मार्केट में डायनामिक चेंज आते रहते हैं, डायनामिक चेंज इन द मार्केट, ठीक है भाई, मार्केट में आज ये चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट बहुत तेजी से बदलती जाती है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इन कारणों की वजह से हमें इनको भी मद्देनजर रखना अति आवश्यक है। क्लियर पॉइंट बेटा? अब होते क्या क्या है, हाँ जी, कस्टमर की जरूरत बदलती रहती है क्योंकि कस्टमर एक चीज से बोर हो जाता है, वो कहता है कुछ नया चाहिए, क्या इनोवेशन है बताओ, क्या नया, ये तो आप कई सालों से बेच रहे हो, नहीं तो इसी, अब जैसे मान लो प्रोडक्ट आता है साबुन, तो लिरिल का ऐड आता है तो वो बार बार कहता है न्यू, तभी तो वो सेल होता है, ठीक है। मार्केट में डायनामिक चेंज होता जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, नहीं भी पहले कम्युनिकेशन में देखें तो एक इनकमिंग कॉल के भी पैसे आते थे, बाद में वो फ्री हो गई, ठीक है, तो डायनामिक चेंज आते रहते हैं मार्केट में। पहले बेसिक फोन आता था, अब उसमें कितने सारे फीचर्स आने लगे, ज्यादातर लोगों ने वॉच पहननी छोड़ दी, वो मोबाइल में सारे फीचर आने लगे, कैमरे छोड़ दिए, तो मार्केट में डायनामिक चेंज आता रहता है, ठीक है, कंपटीशन इसी वजह से बढ़ता रहता है। चलिए क्लियर पर, तो बेसिकली नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, फर्स्ट हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, राइट भाई, हाँ जी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनको हमें ध्यान में रखना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, लेबर यानी स्टाफ सेटिस्फैक्शन, उनकी सिक्योरिटी, ठीक है, हाँ जी, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, राइट, ब्रांडिंग, हमारी ब्रांड पर कोई प्रभाव ना पड़े, ब्रांड इमेज, ये मेन पॉइंट है हमारे, ठीक बात है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके चले, ठीक बात है, राइट भाई। चलिए तो इनमें हमें क्या ध्यान में रखना है, मतलब इसको हमें कैसे टैकल करना है, हमें ध्यान में रखना है क्या क्या इनमें एथिकल्स हैं, एथिक्स हमारे क्या हैं, क्या कोई काम हम अनएथिकल तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन हमारी क्या है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, और इससे क्या इफेक्ट आ सकता है, भाई मैनेजमेंट को सारा बताओगे ना, ठीक है, कि आप अभी एथिकली काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और उससे मतलब क्या क्या अनएथिकल काम कर रहे हो, क्या प्रभाव आ सकता है, ठीक है, रेमेडी क्या है, ये बताने आपको, राइट भाई, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे पानी की कमी है उस एरिया में, राशनिंग है, तो मैंने मतलब हमारा जो मैनेजर है वो आके कहता है सर हम टेम्परिंग कर देंगे मीटर में, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे इस मुद्दे पर बात करेंगे अनएथिकल है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस बताएंगे कि ठीक है टेम्परिंग करने से इतना खर्चा आएगा रिश्वत का और इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर बताएंगे प्रभाव, सर जी प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा भाई, कल को जो परिणाम होंगे कौन भुगतेगा, भाई वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपना कर्म भुगतना पड़ता है, नहीं चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, तो ये जो पाप करोगे ये आपके सामने आएगा, मतलब भाई अगर गवर्नमेंट को पता लग गया, मीडिया को पता लग गया, तो वो पब्लिश कर देंगे सोशल मीडिया में, तो इससे हमारी ब्रांडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगी, समझ के बात, इससे इन्वेस्टर भाग जाएगा, फिर तो फिर कंपनी डूब जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट हमारे को हमारी प्रॉपर्टी को आके सील कर देंगे,
वो हमारे लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो रेमेडी ये है कि भैया गवर्नमेंट के पास ही अप्लाई करो, आप ऑन पेपर अप्लाई करो, लीगली तरीके से अप्लाई करो, ठीक है। ये मतलब समझ में आ गई बात। चलिए अब इस पर एक केस स्टडी हम करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है 89, पढ़ लीजिए। चलो एक बार इसको रीड करो पहले फटाफट। हाँ जी, देखिए क्या कहते हैं। स्टार लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉपर रॉड्स, ठीक है। ये कहते हैं स्टार लिमिटेड कॉपर रॉड्स बनाते हैं, ठीक है। एक रॉड होती है कॉपर की, वो बनाते हैं। अच्छा, कॉपर रॉड आर सोल्ड टू वेरियस केबल वायर्स, ठीक है। कॉपर रॉड किनको बेचते हैं हम? जो केबल वायर में, मतलब जो कंपनी केबल वायर बनाती है उनको कॉपर रॉड चाहिए, हम बना के देते हैं उनको। चलिए, द ग्रोथ इन द इकोनॉमिक स्पेशली द पावर सेक्टर हैज लेड टू शार्प इंक्रीज इन डिमांड ऑफ केबल वायर एंड कॉपर रॉड्स। अब वो कहता है कि इकोनॉमिक में ना बढ़ोतरी हो रही है, हम क्या बना रहे हैं? कॉपर रॉड। और वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इनपुट है, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कॉपर वायर। अब वो कहता है कि मार्केट में दोनों की डिमांड बढ़ रही है। चलिए, कंपनी इज कंसिडरिंग सोच रहे हैं, भाई कॉपर रॉड तो बना ही रहे हो, अब हम सोच रहे हैं यार जिसको बना के दे रहे हैं वो कॉपर वायर बनाते हैं और उसकी भी डिमांड है, तो क्यों ना कॉपर वायर मैं बना लूं, सोच रहे हैं। एन अपॉर्चुनिटी टू सेट अप इट्स ऑन कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, राइट। हम सोच रहे हैं क्यों ना कॉपर वायर भी हम ही बना लें, उसमें कॉपर रॉड तो मैं बना के दे ही रहा हूं, कॉपर वायर भी मैं बना लूं, उसमें कौन से रॉकेट साइंस है भाई, तो मेरा मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा, मैं क्यों उसको बना के दूं, वो मेरी वजह से कमा रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं ही ना कमा लूं। चलो, डिटेल स्टडी वाज कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द मार्केट ऑफ केबल वायर, मार्केट ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले सोचोगे भैया उसमें कितनी जान है, आंख बंद करके थोड़ा बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, द चेयरमैन हैज आस्क्ड द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस टू रिव्यू फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ठीक है। अब चेयरमैन ने पूछा है, जो भैया डायरेक्टर आ जाओ, चलो बताओ भाई हम सोच रहे हैं केबल वायर बनाने की, क्या उचित है या नहीं, किससे पूछ रहे? फाइनेंस में जो डायरेक्टर हैं, जिनको बिठा रखा है हमने, हर महीने सैलरी भी देते हैं अच्छी खासी। द फॉलोइंग पैराग्राफ कंटेन्स समराइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उसने डाटा कलेक्ट करे, किसने? फाइनेंस डायरेक्टर ने। उसने कहा कि भाई प्रोजेक्ट में ना, ठीक है, क्या है, नया प्लांट चाहिए, ठीक है, क्या करें, इस प्रोजेक्ट को बनाने में, नई केबल वायर बनाने में क्या चाहिए? प्लांट चाहिए, प्लांट चाहिए, ठीक है। वो आपको 200 करोड़ रुपए, 20 साल की लाइफ होगी इसकी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 200 करोड़ रुपए देगा आपको, एनपीवी, समझते हो ना, मतलब जो 20 साल में पैसा आएगा उसकी आज वैल्यू और जो आज खर्च होगा, तो 200 करोड़ रुपए का फायदा है अगर आप इस धंधे में जाते हो तो। अच्छा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अ प्लांट इज 500 करोड़ विच इज रेडिली अवेलेबल विद द कंपनी, ठीक है, 500 करोड़ रुपए लगेंगे और जो हमारे पास उपलब्ध है, प्रोजेक्ट में 17.5% की IRR जो कि इंटरनल मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो दूसरे प्लांट के कंपैरेटिवली अच्छी है, हायर है, ठीक है। चलिए, द प्लांट विल एम्प्लॉय 70% ऑफ लेबर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब फाइनेंशियल के हिसाब से तो बता दिया भैया बहुत बेहतर है, नहीं, IRR कितनी है? 17.5%, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं ना। चलिए, 70% मुझे लेबर चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, मतलब 100 लेबर अगर चाहिए तो 70 लेबर तो परमानेंट नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लो फिर हटा देना। दीज लेबर वुड मोस्टली कंप्राइज इमिग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, और ये लेबर आपको मिल जाएंगे, ये आपके ये जो दूसरे शहर से आते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो दूसरे शहर से जो आते हैं, दूसरी कंट्री से जो आके यहां पर बस जाते हैं, वो आप अपॉइंट कर लेना, सस्ते भी मिल जाएंगे। द फिजिबिलिटी स्टडी हैज अज्यूम्ड दैट इमिग्रेंट्स लेबर वुड बी पेड 15% लेस वेजेस देन द पेड टू द अदर वर्कर, सर उनकी ना मजबूरी होती है, तो हमारे फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा उनकी मजबूरी का फायदा उठाओ,
भाई वो तो दूसरे शहर से आए हैं, ठीक है, अब उनको तो कमाना जरूरी है, उनको यहां कम लोग जानते होंगे, तो आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा लो। अगर आपको नॉर्मल जो यहीं के लोग हैं उनको अगर आप 1,000 रुपये देते हो, इनको 850 रुपये दे देना, ठीक है, पैसा बचाओ। ये कौन कर रहा है? हमारे डायरेक्टर। हाउएवर वेजेस पेड टू इमिग्रेंट्स वुड स्टिल बी हायर देन द मिनिमम वेजेस। हाँ, हालांकि मैं उनको जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट की तरफ से तय है उससे ज्यादा दे रहा हूं, बट ड्यू टू इमिग्रेंट्स नॉर्मल लेबर से मैं 15% कम दे रहा हूं। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट फंड इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन। अच्छा, उन लेबर को रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं दे रहा, प्रोजेक्ट में मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो दो बातें आ गई, लेबर की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, कौन से इमिग्रेंट्स, 15% उनको सामान्य लेबर से कम पैसे दिए जा रहे हैं, हालांकि मिनिमम वेजेस से ज्यादा दिए जा रहे हैं, ठीक है, और कोई रिटायरमेंट में बेनिफिट भी नहीं दे रहा। कंपनी फील्स दैट इमिग्रेंट वर्कर्स वुड नॉट स्टे बियॉन्ड पीरियड ऑफ ईयर एंड दस देयर इज नो रिक्वायरमेंट। भाई उनको लग रहा है कि तो आते जाते रहते हैं, 1 साल के लिए रखे हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे, दूसरे परमानेंट तो है नहीं, क्यों रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ कंपनी डू नॉट हैव फ्री स्पेस अवेलेबल। लेबर की बात कर दी उसने कि लेबर का शोषण कर लो, ठीक है। अब कहता है कि एक प्लांट जो चाहिए ना तो उसके लिए आपके पास जगह नहीं है, अपने प्लांट में नहीं लगा सकते, ये जो केबल वायर लगाने की बात कर रहे हो ना, आपके पास जगह नहीं है कि केबल वायर बना सको। अच्छा, द कंपनी विल नीड टू बाई लैंड एडजस्टेंट टू इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट। सर थोड़ी सी बराबर में जगह है। अच्छा जी, ए पार्ट ऑफ प्रपोज लैंड टू बी एक्वायर्ड फॉल्स अंडर द फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया। अच्छा, तो इसका मतलब जो आपको प्लांट चाहिए ना केबल वायर के लिए वो जंगल में है, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, ठीक है, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। आगे समस्या, आपको प्लांट लगाना है, अब बहुत दूर प्लांट नहीं लगाना चाह रहे, पास में जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां प्लांट लगा लो, कंट्रोल हो जाएगा। पर वहां पर क्या लिखा हुआ है? ये सरकार की जमीन है, इस पर कोई भी फैक्ट्री ना लगाई जाए, ठीक है, रिजर्वेशन एरिया है। द कंपनी ऑफिशियल्स इन लाइजन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट द प्लांट पार्सल अप्रूव्ड। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो मैनेजर हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? सर गवर्नमेंट के ऑफिसर से मिल लेंगे, हम बात कर लेते हैं और अप्रूवल करा लेंगे। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड वुड बी पेड टू सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थ्रू कंसल्टेंट। दिस कॉस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन रिपोर्ट। समझ में आ गई? हम कुछ अमाउंट लैंड की वैल्यू का कुछ अमाउंट जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको दे देंगे, ठीक है, थ्रू कंसल्टेंट। तो ये ब्राइब कहलाई, ध्यान से समझना, कुछ अमाउंट हम उनको दे देंगे गवर्नमेंट के अधिकारियों को, ठीक है, बीच के जो दलाल होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, और ये कॉस्ट हम प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन में नहीं रख सकते, क्योंकि भी रिश्वत जाएगी, कैश में जाएगी, अगर एक नंबर की पेमेंट होती चेक से जाती तो फिर तो रिकॉर्ड हो जाती, ये गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रही, ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं जो प्रोजेक्ट को पास करेंगे हम उनको पैसा खिला देंगे, तो हमारा प्लांट सैंक्शन कर देंगे। चलिए, द न्यू प्लांट वुड ऑल्सो प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल हार्म। अच्छा, एक तो लेबर का शोषण और एक प्लांट भी वहां लगा रहे हो जंगल में जहां पर प्लांट लगाना मना है गलत तरीके से, अनफेयर मीन्स, ठीक है। दूसरा, हमारा जो प्लांट है वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि आसपास के नदियों में चला जाएगा, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे केमिकल एमिट होगा, ठीक है, वो आसपास की जो नदी है उसको इफेक्ट करेगा। कंपनी डज नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू ट्रीट द वेस्ट। अब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं उस वेस्ट को ट्रीट कर पाऊं, पर अगर मुझे चाहिए तो 100 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है, वुड कॉस्ट। चल, इसका तो अभी शामिल नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब रिपोर्ट दो आप, ठीक है, लिस्ट वेरियस नॉन फाइनेंशियल एथिकल कंसिडरेशन। तो नॉन फाइनेंशियल पॉइंट बताओ और एथिकल क्या है, ठीक है, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बोलो क्लियर पार्ट। तो तीन तो बातें आ गई, लेबर का शोषण आ गया, ठीक है, लैंड अनफेयर मीन से लोगे और गवर्नमेंट और सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, बोलो बात समझ में आ गई। हाँ जी, तो एक बार यही समझ ले जाना, सबसे पहले लेबर, सबसे पहले तो आप नॉन फाइनेंशियल को समझा दोगे,
सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल को समझा देंगे क्या है कि भैया नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंस एज फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल पर ध्यान दोगे तो फाइनेंशियल अपने आप स्ट्रांग होगा, और अगर नॉन फाइनेंशियल को इग्नोर करोगे तो फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा, कंपनी डूब जाएगी। नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं? हाँ जी, स्टाफ एम्प्लॉयज की सुरक्षा का ध्यान, उनका सेटिस्फैक्शन, गवर्नमेंट के नियम कायदे, नहीं एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करो, क्लियर है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे, ये होते हैं नॉन फाइनेंशियल। क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनको हमें बैलेंस बना के चलना है दोनों में। तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले। तो दूसरा, अब क्या पूछ रहा है, एथिकल नॉन फाइनेंशियल में सबसे पहले आ जाएगा लेबर का पॉइंट। क्या लिखोगे लेबर में? ये यही लिखा हुआ है, आप लिखोगे कि लेबर को हम सामान्य लेबर से 15% कम पेमेंट दे रहे हैं, हालांकि ये मिनिमम वेजेस से ज्यादा है तो कोई लीगल इशू नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट कहेगी मिनिमम वेजेस तो हम तो दे तो नहीं मिनिमम से ज्यादा, परंतु ये अनएथिकल है, बियॉन्ड द रूल्स नहीं है, अनएथिकल है। भाई क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल वेजेस से 15% कम दे रहे हो, जस्ट इसलिए कि वो इमिग्रेंट्स हैं, जस्ट इसलिए कि वो प्रवासी हैं। इमिग्रेंट्स का ना प्रवासी कहते हैं, जो दूसरे शहरों से दूसरे कंट्री से आए होती है, इस बात की वजह से आप उनको 15% कम दे रहे हो। अरे काम तो उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, और कोई उनको रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं दे रहे, तो ये अनएथिकल है। ये हो गया प्रेजेंट। अब प्रभाव क्या होगा इसका, कि सर हो सकता है जब उनको पता लगे तो वो स्ट्राइक पर चले जाएं, काम ना करें, वो स्ट्राइक पर चले जाएं, अपोज करें, वो काम ना करें, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। बोलो क्लियर पार्ट बेटा, बात समझ में आ गई? चलो तो इस पर हम लिख देंगे लेबर पर, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं दे रहे उनको, 15% पेमेंट दूसरे से कम दे रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, अनएथिकल है। इसका प्रभाव क्या होगा? वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। चले प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा हमारा, ठीक है, राइट। दूसरा, सेकंड प्लांट, नहीं भाई ब्रांड इमेज, हम कह रहे हैं कि कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है कि एडिशनल प्लांट को लगा सके। एडिशनल प्लांट को लगाने के लिए जो जगह चाहिए वो फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया में आती है, जहां पर हम प्लांट लगाना, जहां पर हम प्लांट नहीं लगा सकते, जहां पर प्लांट लगाना वर्जित है, मतलब नहीं लगा सकते आप, ठीक है। बट ये अनफेयर मीन से रिश्वत देकर हम मैनेज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हाँ जी, अगर मीडिया को पता लग गया तो वो सोशल मीडिया में इसको हाईलाइट करेंगे, कॉम्पिटिटर को पता लग गया तो वो मार्केट में रेपुटेशन हमारी खराब करेंगे, उससे हमारा इन्वेस्टर भाग जाएगा। भाई जो इन्वेस्टर है, नहीं उसने तो भैया घर बेचकर या अपने कहीं से भी मैनेज करके पैसे लगाए होंगे ना, वो अब आगे नहीं लगाएगा, क्योंकि नहीं तो हमारी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए खतरा बन जाएगा। गवर्नमेंट को पता लगेगा तो हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, जो एडिशनल प्लांट है वो तो बंद करेंगे ही करेंगे, रेगुलर जो काम चल रहा है उस पर भी आफत आ जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे बेफालतू में, ठीक है। तो सुझाव क्या दे रहे हैं हम, इसमें सुझाव क्या दोगे कि भाई लेबर को नॉर्मल वेज से पेमेंट करो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो। यहां क्या सुझाव दोगे कि भैया एडिशनल प्लांट वहां लगाओ जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड है, भले ही ज्यादा पैसे लगे, भले थोड़ा कम कमा लो, चैन की नींद तो सोएंगे, ठीक है। हाँ जी, यहां पर एनवायरमेंट को इफेक्ट करने, हम जो केमिकल बना रहे हैं वो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है सोसाइटी पर, तो क्या करें हम, इससे क्या होगा, अनएथिकल है ये भी। हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लिमिटेड है, तो ये हमारा अनएथिकल है। इससे क्या होगा, हाँ जी, इससे हमारा अगर गवर्नमेंट, इससे हमारा सोसाइटी का ये अनएथिकल पॉइंट है, समझ के बाद भी ये हमारे CSR के अगेंस्ट आती है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा,
हाँ जी, इससे ये नुकसान होगा कि एक आएगा आगे ट्रिपल बॉटम लाइन कि भाई हम सोसाइटी को अगर हार्म कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारे पास पेनल्टी लगा देगी, तो जो कमा रहे हैं वो पेनल्टी में चला जाएगा। आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं वो ही अपोज करेंगे, वहां की जो एनजीओ है वो हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी कि भैया आपके जो केमिकल निकलता है उससे नदी खराब हो रही है, तो जो आसपास के लोग हैं उनको रहने में दिक्कत हो रही है, वो और एनजीओ के साथ मिलकर हमारी कंपनी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा छेड़ देंगे, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए खतरा हो जाएगा। तो सुझाव क्या होगा कि भैया फालतू पैसा लगा लो, थोड़ा कम कमा लो, इन सब झगड़ों से बच जाओगे। क्लियर हो गया पार्ट? तो हमें ये सब लिखना है, बात समझ में आ गई? तो हम ओवरऑल क्रक्स क्या कहेंगे, कंपनी को बैलेंस बना के चलना है, कंपनी को बैलेंस बना के चलना है कि भैया फाइनेंशियल के हिसाब से बढ़िया है बट नॉन फाइनेंशियल में हम अनएथिकल व्यू को नहीं ले सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के रूल्स के बियॉन्ड काम नहीं कर सकते हैं, नहीं हम सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो भले ही हमारे कुछ पैसे फालतू लग जाएं, पर ऐसा काम करें कि थोड़ी सी इनकम कम हो जाए बट लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाए। ठीक है, ये हमें लिखना, बोलो क्लियर हो गया पार्ट? चलिए अब इसको लिख देते हैं, वैसे सॉल्यूशन भी है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक बात है, चलिए तो सबसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट लिखना है हमारे को। चलिए अब इसके सॉल्यूशन में हाँ जी क्या लिखोगे आप? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, आप कहोगे हाँ जी नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आर equally relevant, important, are equally relevant, important for our long term survival, right? हाँ जी, जितना फाइनेंशियल है उतना ही ये भी, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंक्लूड्स, हाँ जी क्या क्या आते हैं इसमें, नोट कर लिया ये, हाँ जी इक्वली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसकी कोई कम महत्वता नहीं है, जितने फाइनेंशियल जरूरी है उतने ये भी जरूरी है। ठीक है, चलिए क्या क्या आते हैं इसमें, हाँ जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहां नहीं है पॉइंट, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट में तो लिखोगे, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ठीक बात है, नहीं गवर्नमेंट के नियम एंड कायदे फॉलो करो, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं भाई ठीक बात है, और सोसाइटी यानी एनवायरमेंट, ठीक है, हाँ ये कहलाते हैं सारे हमारे, ठीक बात है, ब्रांड इमेज इसको कहते हैं, ब्रांडिंग, तो इनको मद्देनजर रखना अति आवश्यक है, यानी बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, हालांकि फाइनेंशियल जरूरी है, पैसा जरूरी है, बगैर पैसे के काम नहीं चलता नहीं, बट इतना जरूरी नहीं है कि सब कुछ दांव पे लगा दो। ठीक बात है, नोट कर लिया, पैसा सब कुछ नहीं है ये कहोगे, ठीक है, अब आप कहोगे ऑल दो ठीक है, फाइनेंशियल, हाँ जी फाइनेंशियल पॉइंट
इज, हाँ जी, रेलिवेंट, राइट, दैट इज दिस न्यू प्रोजेक्ट, दिस न्यू प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड, हाँ जी, कितना दे रहा है एनपीवी, देखो 200 करोड़ और आईआरआर 17.5%। ये हमारा जो फाइनेंशियल है वो कितना दे रहा है, देखो रिटर्न 17.5% दे रहा है, रिटर्न कितनी दे रहा है 17.5%, और 200 करोड़ रुपए की एनपीवी है, ठीक है, हाँ जी, विच इज ए क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो बहुत अच्छा है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, फॉर कंपनी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा है, नहीं भी पैसा ज्यादा आएगा तो कंपनी ग्रो होगी, नहीं, शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, हाँ जी, जरूर, मतलब ये अच्छा है उनके लिए, हालांकि, बट हाँ जी, क्या कहेंगे, कंपनी शुड नॉट ऑपरेट इन अनएथिकल वे, बट कंपनी शुड नॉट, द कंपनी शुड नॉट ऑपरेट, शुड नॉट ऑपरेट, शुड नॉट इंक्लूड इन एनी अनएथिकल, अनएथिकल एक्टिविटी, ठीक बात है, राइट, बैलेंस बना के चलना है हमें, ये भी मद्देनजर रखना है, क्लियर पार्ट, हाँ जी, हो गया यहां तक, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इज एसेंशियली, क्यों, मार्केट चेंज होती जाती है, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, वो लिख देना इसमें जो कॉन्सेप्ट में लिखवाए थे, क्लियर पार्ट, अब एक एक करके, राइट, नोट कर लिया, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, लेबर का, दूसरा लैंड, तीसरा एनवायरमेंट, ये मेन पॉइंट आ रहे हैं इसमें, ठीक है, डिटेल में दिया हुआ वैसे और कुछ उनके इतनी आवश्यकता नहीं है, आप मेन तीन पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट लिख लो, ठीक है, ये स्टडी का सॉल्यूशन है, वो ठीक है, आपको एक क्रक्स दे रहे हैं, ठीक है, चलिए, हाँ जी, मैनेजमेंट शुड कंसिडर, मैनेजमेंट शुड कंसिडर द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स before taking the final decision, before taking final decision, clear बात भी, अंतिम निर्णय लेने से पहले इनको भी ध्यान में रखो, भाई जैसे राजा होता है ना, एक मंत्री से पूछा, अब उसी मंत्री के सलाह पर काम ना करे, औरों से भी पूछ ले भाई, ये तो बाकी मंत्री क्या करेंगे, ये मतलब है, तो एक मंत्री जो हमारा वो क्या है, फाइनेंशियल, और दूसरे मंत्री बाकी के, ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्या कहेंगे, लेबर सेटिस्फैक्शन, फर्स्ट लेबर सेटिस्फैक्शन क्या लिखोगे इसमें, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, सर जी करंट, चलो एक मिनट, दो मिनट, आप अपने आप सोचो क्या लिखोगे, बोलो बोलो, हाँ जी, क्या लिखोगे इसके अंदर बताओ, आप लिखोगे लेबर को हम पेमेंट 15% कम दे रहे हैं दूसरे लेबर की तुलना में, अनएथिकल है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है, भेदभाव है, हालांकि मिनिमम वेज इससे ज्यादा दी जा रही है, कोई लीगल इश्यू नहीं आएगा, बट और फिर गवर्नमेंट और फिर रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं दे रहे, राइट, तो ये अनएथिकल है, क्लियर पॉइंट भी, तो इफेक्ट क्या आएगा इसका, तीन चीज लिखनी है, वर्तमान, प्रभाव और सुधार कार्य, तभी तो पूरी रिपोर्ट बनेगी मेरी, आप यहां खड़े हो, इसका यह परिणाम आएगा, ना आए ऐसा करो, क्लियर बात भाई, चलिए क्या कहेंगे सबसे पहले, हाँ जी, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या कहेंगे हम, आप कहोगे प्रेजेंट, ठीक है,
हाँ जी कंपनी, हाँ जी डिसाइडेड टू पे 15% लेस पेमेंट टू इमिग्रेंट्स वर्कर, किसको दे रहे हैं हम ये? हाँ जी देखो ध्यान से, किसको दे रहे हैं हम ये? इमिग्रेंट्स वर्कर को, ठीक है। इमिग्रेंट्स वर्कर 15% कम दे रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल, एज कंपेयर टू नॉर्मल वर्कर्स, तो ये भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। 15% पेमेंट कम दे रहे हैं उनको नॉर्मल वर्कर्स की वजह से, क्यों? प्रवासी मजदूर है दूसरे शहरों से आए हुए, उनकी मजबूरी है खाना, ठीक है, तो उनकी मजदूरी का फायदा उठाया जा रहा है, राइट भाई। एंड एज वेल नो रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे रहे, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे रहे, ठीक है, राइट भाई। हालांकि ऑल दो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन लिख रहे हैं, ऑल दो नो लीगल इश्यूज, कोई लीगल क्लेम नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, हाँ जी, कोई आपके पास लीगल क्लेम नहीं आएगा, ठीक है, हाँ जी, ऑल दो देर इज नो, ऑल दो देर इज नो इलीगल, नो इलीगल एक्टिविटीज इन सच पेमेंट, इन सच पेमेंट, इस पेमेंट में कोई इलीगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि हम मिनिमम वेजेस से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं एज प्रेजेंट पेमेंट इज मोर देन मिनिमम वेजेस, क्लियर बात बेटा? तो मिनिमम वेजेस तो मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं तो लोग लीगल इश्यू तो नहीं आएगा, ये तो हो गया प्रेजेंट, ठीक बात है। अब हाँ जी एथिकल है या नहीं है आप बताओ? अनएथिकल है, ठीक है, क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, राइट। दिस इज, अब क्या लिखोगे इसको? हाँ जी आप कहोगे दिस इज अनएथिकल है या नहीं है? हाँ जी तो आप कहोगे, हाँ जी सच पेमेंट, दिस इज दिस एक्टिविटीज, हाँ जी दिस इज अनएथिकल, राइट। क्यों? क्यों? डिस्क्रिमिनेंसी, अरे पेमेंट, लो पेमेंट ड्यू टू किस वजह से दे रहे हैं हम इनको? हाँ जी इमिग्रेंट्स है, ड्यू टू इमिग्रेंट्स, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंसी कर रहे हैं हम, भेदभाव, राइट बे, हाँ जी। और नो रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक बात है, तो ये अनएथिकल है, क्लियर पार्ट दे। अब बताओ प्रेजेंट बता दिया, एथिकल बता दिया, परिणाम क्या होगा ये बताइए, परिणाम क्या होगा इसका, क्या रिजल्ट फेस करना पड़ेगा? हाँ जी द वर्कर कैन गो टू द स्ट्राइक, आप वर्कर जो है आपके स्ट्राइक पर जा सकते हैं, नहीं भाई, दे डिसाइडेड नॉट टू वर्क टू द कंपनी, ठीक, द वर्कर्स मे डिसाइड, not to work with the company, वो डिसाइड कर सकते हैं हमें काम नहीं करना, ठीक है, राइट। द लेबर्स गो ऑन प्रोटेस्ट, यानी लेबर्स गो ऑन प्रोटेस्ट,
स्ट्राइक कर सकते हैं, हड़ताल, ठीक है, ये परिणाम हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, वो डिसाइड कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हड़ताल करो, हमारी मांगे पूरी करो, क्योंकि हमें 15% पेमेंट कम दी जा रही है, तो गलत है ना, ठीक बात है। हाँ जी, सुधार क्या कर सकते हो, सजेशन क्या आपका, आप क्या सजेस्ट करते हो, सुझाव दो मैनेजमेंट को कि सर जी पेमेंट उनको पूरी दे दो और रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, रिजल्ट ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट में डिले, एक मिनट, प्रोजेक्ट हमारा डिले हो सकता है, ये भी कह सकते हैं ना, इस वजह से क्या होगा भाई, अगर हड़ताल कर देंगे तो क्या परेशानी होगी, प्रोजेक्ट में डिले, ठीक है, ड्यू टू स्ट्राइक। चलिए आप बताओ सुझाव क्या दोगे, सजेशन क्या सुझाव दोगे, कि भैया पेमेंट शुड बी मेड एज पर लीगल, ठीक है। आप सुझाव दोगे कि पेमेंट टू वर्कर शुड बी हाँ जी कितना होना चाहिए, एज पेमेंट टू नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वर्कर को जो पेमेंट दी जा रही है वो दे दो उनको, एज वेल एज प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। थोड़ा सा IRR कम होगी बट लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है, ओके, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। हाँ जी, लैंड अनफेयर मीन से ले रहे हो, लैंड आप, हाँ जी सेकंड आता है लैंड, है ना, मतलब अनफेयर मीन से अगर हम लैंड ले रहे हैं तो वो गलत है, नहीं, ये ब्रांड इमेज में फर्क पड़ेगा हमारी ना, ब्रांड इमेज को खतरा पैदा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसमें, कि कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, नहीं, टू मैन्युफैक्चर केबल वायर, इसके लिए जो बराबर में जगह है वो फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया में है और वो हम ले सकते हैं अनफेयर मीन से, ठीक है, रिश्वत देकर। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट। आप लिखोगे एथिकल, अनएथिकल है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बियॉन्ड द रूल हो, भाई जब फॉरेस्ट एरिया के लिए रिजर्वेशन है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है और वहां पर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो अनएथिकल है, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर मीडिया को पता लग गया तो सोशल मीडिया में वो हाईलाइट कर देंगे, गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट को सील कर देगी, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देगी, ठीक है, इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे, क्लियर पार्ट बेटा, ये इसका इफेक्ट पड़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ जी चलिए, तो सुझाव क्या दोगे कि आप कहीं और लैंड परचेज कर लो, भले ही एडिशनल कॉस्ट लगे बट वो सही रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, द कंपनी हैज नो स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है, द कंपनी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो नहीं है, द कंपनी हैज नो स्पेयर कैपेसिटी, फॉर हाँ जी एडिशनल हाँ जी प्लांट, कौन सा एडिशनल प्लांट किसके लिए चाहिए, हाँ जी वायर केबल के लिए, ठीक है। दिस कैन बी मैनेज्ड, मैनेज का मतलब कुछ ना कुछ करते हैं जुगाड़, ठीक है, इन एडजेसेंट रिप्रेजेंट होता होगा ना फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया,
फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया, ठीक है, वहां पर हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बाई पेइंग, कैसे, ब्राइब्स, रिश्वत देकर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट के अधिकारियों को आप रिश्वत देके कर सकते हैं मैनेज, ठीक है, राइट। पर वहां पर क्या है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया, यानी वहां पर, ठीक है, नो वेयर नो कमर्शियल एक्टिविटीज आर अलाउड, ठीक है, हाँ जी, एट दैट प्लेस नो कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड, पर हम करना चाह रहे हैं अनफेयर मीन से, क्लियर बात बेटा, ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट। भाई आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो बराबर में जंगल में जगह है वो रिश्वत देके आप ले लो, ठीक है, अपना सैंक्शन करवा लो, ठीक बात है, एथिकल है या नहीं है ये बताओ, हाँ जी, ठीक है, पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय अनफेयर मींस, पेमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के अधिकारी, पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय अनफेयर मींस, बाय अनफेयर मींस इज नॉट फेयर, है ना, अनएथिकल है, क्या है, अनएथिकल है, ठीक है भाई, अगर अलाउड होती गवर्नमेंट को दे रहे हो तो ठीक है, गवर्नमेंट के अधिकार को दे रहे हो, भाई आपको राजा से मिलना है, भाई नहीं मिल रहे तो उसके अधिकारों को पैसे दे रहे हो कि भी मुझे राजा से मिलवा दे, तो गलत है ना, ये तो वही वाली बात हो गई, और फिर आप तो लैंड अलॉट करवा रहे हो, ठीक है, तो ये अनएथिकल हुआ, ठीक है, राइट, अगेंस्ट द लॉ हुआ। अब आप क्या कहोगे, सजेशन, रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट क्या होगा, हाँ जी, रिजल्ट हमारा होगा, हाँ जी, एडवर्स मतलब हमारी ब्रांड इमेज को डेंट पड़ सकता है, डेंट ऑन ब्रांडिंग, ठीक है, कैसे, इफ मीडिया पब्लिश्ड इन सोशल मीडिया, ठीक है, अगर मीडिया सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दे तो हमारी ब्रांडिंग को डेंट पड़ सकता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट में भी कैंसिल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको कैंसिल भी कर सकती है कि भाई आपने अनऑथराइज तरीके से लैंड एक्वायर की है तो हमारा प्रोजेक्ट तो खटाई में पड़ जाएगा, ठीक बात है, हाँ जी, तो क्या सलाह दोगे, गुडविल को इफेक्ट पड़ेगा, ब्रांडिंग का मतलब गुडविल, ठीक है, राइट भी, क्या सुझाव दोगे बताओ, सजेशन क्या दोगे आप इसको, हाँ जी, द कंपनी शुड एक्वायर एडिशनल लैंड, ठीक है, इन अप्रूव्ड एरिया मिले, ठीक है, हाँ जी, ऑल्दो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में इंक्रीज बट इट्स एथिकल, बट ये एथिकल कहलाएगा, एंड नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई बात, लैंड के लिए क्लियर हो गया, दोनों बातें क्लियर है, पहला क्या था, लेबर को 15%, दूसरे से कम पेमेंट कर रहे हो, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे रहे,
हालांकि कोई लीगल इशू नहीं आएगा, पर वो हड़ताल कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंसी कर रहे हो, राइट? तो रिजल्ट क्या होगा, हड़ताल कर सकते हैं, वो कंपनी के साथ काम ना करें। सजेशन क्या होगा, उनको नॉर्मल पेमेंट करो। दूसरा, लैंड, कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो फॉरेस्ट एरिया में लैंड ली जा रही है ब्राइब देकर, ठीक है, जो कि अनएथिकल है। अगर गवर्नमेंट को पता लग गया तो वो हमारा प्रोजेक्ट, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर सकती है, सीलिंग कर सकती है, और सोशल मीडिया में अगर पता लग गया उनको तो फिर हमारी ब्रांड इमेज को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हम अतिरिक्त पैसे खर्च करके अप्रूव्ड एरिया में लें, राइट भाई, क्लियर? चलिए अगला एनवायरमेंट, अगला एनवायरमेंट सोसाइटी। हाँ जी, सोसाइटी के लिए क्या कह रहे हैं, देखो जल्दी से जरा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा सोसाइटी के लिए। हाँ जी, द न्यू प्लांट वुड प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल हार्मफुल, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, न्यू प्लांट, ये पूरा लिख दोगे, केमिकल जो हम एमिट कर रहे हैं वो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, ठीक है? तो ये एक अनएथिकल है, ये एक अनएथिकल है, पर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको ट्रीट कर सके। अब ये प्रेजेंट हो गया, अब आगे बताओ, ये तो हमारा प्रेजेंट स्टेटस हो गया, ठीक है? परिणाम क्या होगा, ये जो आसपास के सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं वो अपोज करेंगे, एनजीओ का सारा लेके हमारे पास आ जाएंगे, ठीक बात है? तो उससे क्या होगा, हमारी इमेज को खतरा हो जाएगा, ये भी, राइट भी, उससे हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है अननेसेसरी, राइट भी। तो इसका बेहतर उपाय यही है कि आप 100 करोड़ रुपए लगाकर एक नया ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये अनएथिकल कहलाएगा, क्लियर पार्ट बेटा? चलिए हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं, एट प्रेजेंट द कंपनी, हाँ जी वही वाली लैंग्वेज लिख दो, नहीं द प्लांट, एट प्रेजेंट द प्लांट, हाँ जी, जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, नहीं, द प्लांट इज लाइकली टू एमिट, हाँ जी, केमिकल, हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल, ठीक है, हैविंग एडवर्स इफेक्ट, हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, अनएथिकल है, एडवर्स इफेक्ट करेगा, और अभी हमारे पास कोई एडिशनल इक्विपमेंट नहीं है जो उसको ट्रीट कर सके, नहीं भी, नो एडिशनल इक्विपमेंट फॉर सच, हाँ जी, ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पर, क्या एथिकल है ये नहीं बताओ, हाँ जी, इसमें लिखोगे अनएथिकल है, अनएथिकल है, राइट, हाँ जी, एडवर्स इफेक्ट है सोसाइटी के लिए, एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, राइट भाई, तो ये हमारा अनएथिकल व्यू कहलाया, सोसाइटी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, राइट, और हाँ जी, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो आसपास के लोग हैं वो अपोज करेंगे, नहीं भी, जो आसपास के लोग हैं वो अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट बाय लोकल रेजिडेंट्स, विद एनजीओ, एनजीओ के साथ में वो आपको काम नहीं करने देंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा अननेसेसरी, हमारा प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाएगा। सुधा मतलब सजेशन क्या दोगे अब आप, इसको सजेशन क्या दोगे भैया,
एडिशनल कॉस्ट खर्च करो और ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो, ठीक है। द कंपनी शुड इनकर एडिशनल, हाँ जी, एडिशनल कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट, राइट, हाँ जी, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट, क्लियर पांडे, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट। हालांकि इसे प्रोजेक्ट की आईआरआर में कमी आएगी, बट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बोलो क्लियर बेटा, हाँ जी। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। कंपनी मस्ट ऑपरेट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कंपनी मस्ट ऑपरेट, कंपनी मस्ट ऑपरेट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलो ऑल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लियर है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। हाँ जी, टू अवॉइड एनी पेनल्टी, टू अवॉइड एनी पेनल्टी, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया पार्ट बेटा, तो हमें बैलेंस बना के चलना है दोनों में, राइट, तीनों बातें क्लियर हो गई। चलिए तो अब आते हैं दूसरी केस स्टडीज पर, राइट, चलिए इसको नोट कर लो। चलिए बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 केस स्टडी सेम, ठीक है, डिसीजन मेकिंग चैप्टर 6, राइट, जस्ट इसको आप रीड आउट करो। चलिए बेटा शुरू करें, देखो क्या कहता है। एबीसी लिमिटेड स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स इन ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट, कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। एबीसी इज ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, अच्छा पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ओके, मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स बीइंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब हम जो पैसा ले रहे हैं बेसिकली वो कहां से ले रहे हैं, इन्वेस्टर से ले रहे हैं, और वो इन्वेस्टर कौन है हमारे, ये, ठीक है। चलिए अब क्या है, इट इज लोकेटेड इन वाटर स्कर्स जोन, मतलब ये कहां पर स्थित है जो केमिकल बना रहे हैं, तमिलनाडु, जहां पर पानी की किल्लत है, कहां पर बना रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में, जहां पर पानी की दिक्कत है, समस्या है। देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैपिंग एंड यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर अंडर द रेलिवेंट लॉस, मतलब यहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वर्जित है कि पानी आप धरती से नहीं निकाल सकते, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पैनल प्रोविजंस ऑफ द लॉ विल अप्लाई इन केस ऑफ वायलेशंस, अगर आप इनका उल्लंघन करते हो तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर वाटर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट द कंपनी कैन ड्रॉ, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है केमिकल में उसमें हमें पानी की आवश्यकता है 19,000 किलो लीटर्स, वो ठीक है, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। परचेज ऑफ वाटर इज नॉट एन ऑप्शन एज अवेलेबिलिटी इज हाईली इरेटिक एंड एक्सॉर्बिशन ऑन कॉस्ट, तो आप परचेज भी नहीं कर सकते, तो हमें कितनी आवश्यकता है अपने केमिकल को बनाने में, 19,000 किलो लीटर्स, 19,000 किलो लीटर पानी की आवश्यकता है, और जो कि एक समस्या है, लिमिटेड है जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं। चलो, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ केमिकल ए एंड बी एंड दीज आर सोल्ड इन द किलोग्राम, अभी तक क्या बता रहे हैं, जो केमिकल बनाते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें पानी की आवश्यकता है, और जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पानी की समस्या है, दिक्कत है, किल्लत है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, और वहां पर हम पानी ग्राउंड वाटर से टैब लगाकर कोई भी नहीं निकाल सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो पेनल्टी लगेगी, राइट, 19,000 किलोमीटर की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, दो केमिकल बना रहे हैं, कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बिजनेस प्लान, अब 2021 का प्लान कर रहे हैं अभी हम, कि भी आगे भविष्य में हम अपनी एक्टिविटीज कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा एंड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इन्फ्लेशन एंड पॉसिबल प्राइस इंक्रीज इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट, तो ये इन्होंने कुछ डाटा दिया हमारे पास, क्या ए और बी में कैपेसिटी है
825,000 और 930,000, ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और वाटर 1 किलोग्राम में 12.5 और 10, ये वाटर की आवश्यकता है। चलिए अब एक बात कह रहा है, अंडर द रेलिवेंट इनकम टैक्स लॉज प्रिवलेंट कंपनीज विद टर्नओवर, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ की होगी या कम, अगर टोटल टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम होगी तो उस पर 25% से कम का टैक्स लगेगा। ठीक है, लोअर नहीं, 25% का टैक्स लगेगा, 30% का नहीं लगेगा। भाई नॉर्मल कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स 30% है ना, अगर भाई वहां के जो नियम है कि अगर 250 करोड़ से टर्नओवर कम है या बराबर भी है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 25% टैक्स लेंगे। कंपनी इंटेंड्स टू कीप इट सेल 250 करोड़ या थोड़ा सा कम ताकि मैं इस कंसेशन का फायदा उठा सकूं। ठीक है, तो यहां तक क्या कह रहा है वो कि हम 250 करोड़ तक की सेल रखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कम ताकि हम 25% के टैक्स लाभ में रहे। तो अब तक क्लियर है पार्ट, एक बार कंसोलिडेट करते जाओ। कंपनी केमिकल बना रही है ए और बी, इसमें वाटर की आवश्यकता है, जहां आप काम कर रहे हो तमिलनाडु में वहां पानी की किल्लत है और हमें 19,000 किलोलीटर पानी चाहिए। अगर हम वहां पर ग्राउंड वाटर पानी लेते हैं तो गवर्नमेंट मना करती है, और अगर हम इलीगल तरीके से काम करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। और दूसरी बात कह रहा है 250 करोड़ से टर्नओवर कम या बराबर है तो टैक्स रेट 25% का। चलिए, विद कैपेसिटी कॉन्स्टेंट कंपनी हैज कैलकुलेटेड इट वुड बी स्टिल बेनिफिशियल फॉर कंपनी टू स्टिक टू 250 करोड़ एज मार्जिनल इंक्रीज इन टर्नओवर इज पॉसिबल। ठीक है, क्या कहते हैं, बस वो कहता है कि अगर मैं 250 करोड़ रुपीस की टर्नओवर रखूं तो फायदा है, थोड़ा सा भी सेल बढ़ाऊं 251 करोड़, मतलब थोड़ी सी भी सेल बढ़ाऊं 2-4-5 करोड़ की तो टैक्स रेट ज्यादा आ जाएगा, मतलब उस अतिरिक्त सेल पर मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा जितना पूरे पर टैक्स ज्यादा दे जाऊंगा। बात समझ रहे भाई, या तो मैं 500,000 करोड़ की सेल कराऊं तब तो पता लगा है। तो कहता 250 से ऊपर थोड़ा सा जाते ही पूरे पर टैक्स 30% हो जाएगा, तो क्यों हम थोड़े से ऊपर जाकर पिछले पर भी 5% ज्यादा टैक्स दे, तो ज्यादा सेल पर तो उतना नहीं कमा पाएंगे, तो भैया पीछे ही रहो। समझ में आगे बात, आगे रहोगे तो डंडे पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, वो कहता है इतना रखो। चलिए भाई, CFO है आस्क्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू वर्क आउट वॉल्यूम इन किलोग्राम ए एंड बी विच वुड गिव ऑप्टिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। अब CFO ने पूछा कि आप बताओ कि कितना ए और बी बना के दे ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, कैपेसिटी की लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, वाटर यूसेज और टर्नओवर, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बताइए कितना ए और बी बनाए। ठीक बात है, चलो आगे क्या करें। कंसल्टेंट्स वर्क आउट विद द फॉलोइंग प्रोडक्ट मिक्स यूजिंग लीनर प्रोग्रामिंग, मतलब उसने काम कर दिया, कॉन्स्टेंट जब ज्यादा होते हैं तो एलपी टेक्निक लगाते हैं, यही तो आपको समझा रखा है, अगर 2 से ज्यादा की फैक्टर हो तो एलपी के थ्रू हम प्रोडक्ट मिक्स निकाल लेते, वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, शी ऑल्सो प्रपोजेस, मतलब लेडी है देवी जी, क्या कहते हैं उनको, अनदर मिक्स विच डज नॉट मीट द कॉन्स्टेंट ऑन वाटर यूसेज वेयर द कंपनी कुड एंड अप ड्रॉइंग एक्सेस वाटर देन परमिटेड बाय 113 किलोलीटर्स बट वुड रिजल्ट इंक्रीज ऑफ 30 लाख इन कॉन्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, क्या कंसल्टेंट ने तो काम कर दिया था, प्रोडक्ट मिक्स बना दिया, वो आपको नहीं दिया, बट एक हमारे पास लेडी है इंटेलिजेंट, वो देवी जी क्या कह रही हैं कि सुनो अगर मेरे हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स बनाओगे तो 30 लाख रुपए ज्यादा कमाओगे। ठीक है, अब 30 लाख रुपए ज्यादा कमाओगे, ठीक है, कैसे देखो जरा ध्यान से एक मिनट। शी सेज वो क्या कहती हैं, उन्होंने एलपी वाला नहीं फॉलो किया है, उन्होंने अपना, इट इज इजिली पॉसिबल टू डू दिस बाई मैनेजिंग रिपोर्टिंग टू द वाटर अथॉरिटीज। दोबारा पढ़ो, वो कहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या मैनेजिंग, मैनेज करना,
अलार्म कहता ना ये काम कैसे करेगा, सर आप चिंता मत करो मैं मैनेज कर लूंगा, जैसे मर्जी मैनेज करो, बाय हु कैन कुक। रिपोर्टिंग, मैनेजिंग रिपोर्टिंग टू द वाटर अथॉरिटीज, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि जो वाटर अथॉरिटीज है ना, मतलब जो पानी चेक करने आएगा मीटर, हम उससे बात कर लेंगे, हम उसको सेट कर देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, मतलब मीटर में कुछ गड़बड़ी करवा देंगे, तो वो उतना ही दिखाएगा और हम बस उसको कुछ रिश्वत दे देंगे। ठीक बात है, वो ये कह रहे हैं। तो रिपोर्टिंग आप उतनी करोगे जितनी चाहिए, अंडर रिपोर्ट कर देगा वो, ठीक है, ये कहते हैं मैनेज। चलिए आप देखिए ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्या आया था, ए और बी का वॉल्यूम 8 लाख 9 लाख, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन इतना, कॉन्स्टेंट अगर हम सेल्स रखते हैं 250 करोड़ से कम, ठीक है, तो हमारी वाटर यूसेज 19,000 किलोग्राम चाहिए जो है, राइट भाई। अच्छा ऑप्टिमम है कितना, 250 करोड़ पर, ए और बी 8 लाख और 9 लाख 19,000। अब वो कहते हैं सजेशन उनके द्वारा, ये जो मैडम है हमारी, उन्होंने कहा कि ए और बी का वॉल्यूम इतना रखें, 250 करोड़ की सेल रखें तो टैक्स बर्डन ज्यादा नहीं जाएगा, ए और बी इतना कंज्यूम करें, राइट भाई। तो 19,113 एक्चुअल में वाटर यूसेज हो जाएगा, 19,113 एक्चुअल में वाटर यूसेज होगा, तो 113 लीटर की गड़बड़ी कर दे, 113 किलोलीटर की गड़बड़ी कर दे, उससे हम 30 लाख ज्यादा कमा लेंगे, उससे हम कितना ज्यादा कमा लेंगे, 30 लाख ज्यादा कमा लेंगे, समझ रहे हो। तो 113 किलोलीटर की गड़बड़ी करके, अंडर रिपोर्टिंग करके, उसको रिश्वत देके आप 30 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन अधिक कमा लोगे। चलिए CFO इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशन, उसने आपको बुलाया कि भैया डिस्कशन करो, समझ गए, अब आप बताओ, सिंपल दिमाग लगाओ, ठीक है, क्या कहना चाहता है ये, अनएथिकल है? तो सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, सबसे पहले आप ये कहोगे कि सर जी पैसे को देखते हुए तो ये सौदा ठीक है, समझ गए, क्योंकि भैया कमाई हो रही है, कमाई होगी तो इन्वेस्टर खुश रहेगा, इन्वेस्टर खुश रहेगा तो आगे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये तो एक बात हो गई कि सर मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, बढ़ते हुए समय के साथ में पैसा अति आवश्यक है, पैसे का काम तो पैसे से चलेगा, तो अधिक कमाना हर कंपनी की इच्छा होती है, तो ये बात तो हो गया फाइनेंस कंसिडरेशन, यहां तक क्लियर है। इसके बाद कहोगे कि सर जी रुको रुको रुको, पैसे कमाना सही है पर अनफेयर मीन से तो नहीं, कम से कम चैन की नींद तो सोए हम नहीं, हमेशा डर बना रहेगा क्या कि अगर हम अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, अगर हम अंडर रिपोर्टिंग करते हैं तो ये अनएथिकल है, केवल कितना 30 लाख, केवल कितने 30 लाख रुपए कमाने के लिए अतिरिक्त आप उसको रिश्वत दे रहे हो, और अगर गवर्नमेंट को पता लग गया किसी तरीके से तो एक तो पेनल्टी लगा देगी, बिजनेस बंद कर देगी, और वो पेनल्टी वैसे टैक्स में भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को पता लग गया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी जो हमारे को टैक्स में भी छूट नहीं मिलेगी उसकी, एक तो पेनल्टी का हर जाना जाएगा आपके पास केवल 30 लाख कमाने के चक्कर में, और अगर सोशल मीडिया को पता लग गया कि हम रूल्स वायलेट कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया में हमारा नाम पब्लिश कर देंगे, जो हमारी गुडविल ब्रांडिंग को खतरा हो जाएगा, जिससे बिजनेस हमारा खत्म हो सकता है, इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है सारा, तो 30 लाख अधिक कमाने के चक्कर में पुराना सारा ही डूब जाएगा, समझ गए बात भाई। तो हम तो ये सलाह देते हैं ओवरऑल क्या बैलेंसिंग बना के चलो, आप अनएथिकल व्यूज के तरीके से पैसा मत कमाओ, क्योंकि ये एक तरह से हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करें, हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो ये अनएथिकल है, इट इज एडवर्स अगेंस्ट द रूल्स, क्लियर बात बेटा, इतना लिखना है बस आपको, बोलो समझ में आ गई बात, चलिए मैं लिखवा दूं इतना, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाँ जी सबसे पहले आप लिखोगे कॉन्सेप्ट, आपको कहोगे
फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये सजेशन बेटर है, ठीक है। हाँ जी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से द प्लान इज बेटर, द प्लान सीम्स टू ए बेटर, राइट, क्यों, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ रुपीज 30 लाख, पैसा आ रहा है, किसको बुरा लगता है, ठीक है, इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, ये शेयर होल्डर वेल्थ को बढ़ाएगा, ठीक है, राइट भाई, तो बेनिफिट है शॉर्ट टर्म में, बेनिफिट बेनिफिशियल इन शॉर्ट टर्म, एक तो ये कर दोगे, ठीक है, मतलब सर्वाइवल के लिए, डेट इज सर्वाइवल इन कॉम्पिटेटिव मार्केट, कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ये ठीक है, बोलो क्लियर बात, तो ये तो फाइनेंशियल का पॉइंट हो गया। दूसरे हैंड पर अब क्या कहोगे कि सर अनएथिकल है, नेचुरल रिसोर्सेज को अनफेयर मीन से आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी को एडवर्स इफेक्ट कर रहे हो, क्लियर, गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देगी, और जो पेनल्टी हमारी टैक्स में भी अलाउड नहीं होती है, ठीक बात है, जिससे हमारी अगर मीडिया को पता लग जाता है तो वो सोशल मीडिया में इनको पब्लिश करके हमारी रेपुटेशन को एडवर्स इफेक्ट करेंगे, और आगे आने वाले समय में जो हमारे और प्रपोजल्स होंगे उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा, इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा, राइट भी, और गवर्नमेंट जो फर्दर प्रपोजल्स हैं उनको अप्रूव नहीं करेगी, क्लियर पार्ट, तो आप क्या कहेंगे, हम बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाँ जी, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बस पॉइंट्स में, बाकी डिटेल में तो है ही, क्या कहेंगे, इट इज अनएथिकल, इट इज अनएथिकल, राइट, टू ड्रॉ वाटर बाय अनफेयर मींस, राइट, दैट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक बात है, चलिए इससे क्या होगा, हाँ जी, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको, राइट भाई, हाँ जी, गवर्नमेंट इंपोज पेनल्टी, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड इन टैक्स, सर टैक्स में भी इसका डिडक्शन नहीं मिलती, तो पेनल्टी एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, एक तो ये, दूसरा, हाँ जी, इफेक्ट, अगर सोशल मीडिया को, मतलब मीडिया को पता लग गया, नहीं तो वो एडवर्टाइज कर देंगे इन सोशल मीडिया, राइट, बाय मीडिया, इससे क्या होगा, हाँ जी, ये इससे इफेक्ट पड़ेगा हमारी गुडविल पर, इफेक्ट ऑन ब्रांडिंग, इससे हमारी गुडविल इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, एक तो पेनल्टी का बर्डन, और अगर गलती से कंपटीटर को पता लग गया, नहीं, ठीक है, कंपटीटर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ये ताक में रहते हैं ना, कोई गलती करें, कंप्लेंट बाय कंपटीटर टू वाटर अथॉरिटीज, तो ये मत समझना जिसको आपने पैसे दिए थे फिर वो आपका सगा है, क्योंकि वो एक नहीं है ना, ठीक है, तो और उसको भी जवाब देना पड़ेगा, उसको अपनी नौकरी बचानी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, हाँ जी, इन्वेस्टर फिर हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है, इन्वेस्टर हाँ जी हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा, फिर Not interested
टू इन्वेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट द अमाउंट, वो हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रपोजल्स रुक जाएंगे भाई, हमें अप्रूवल नहीं मिलेगी। हाँ जी, डिफिकल्टीज इन गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोडक्ट। फ्यूचर एक्सपेंशन जो करोगे, ठीक है, हाँ जी, उसमें गवर्नमेंट हाथ खींच लेगी पीछे। और फिर आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरह से यूटिलाइज करो, तो ये उसके अगेंस्ट है नहीं भी, अलग कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज to utilize the natural resource। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? हाँ जी, तो क्या कहोगे अब आप? To utilize the natural resource। तो अब आप ये कहोगे कि भैया फाइनली अब आप देखो, हाँ जी फाइनली क्या कहेंगे कि फाइनेंस के हिसाब से बेटर है, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के हिसाब से बेटर नहीं है। The company should make a decision after considering all factors। ठीक बात है, क्लियर हो गया बेटा? अल्टीमेटली क्या रहेंगे हम डिसीजन के, फाइनेंस के हिसाब से तो ठीक है 30 लाख रुपए कमाना बेहतर है, बट अनफेयर मीन से नहीं, अनएथिकल है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता लग गया, एक तो हमारे को अप्रूवल नहीं मिलेगी, पेनल्टी लगा देंगे जो इनकम टैक्स में भी अलाउड नहीं होती है ना, और फिर मीडिया को पता लग गया तो वो सोशल मीडिया में पब्लिश कर देंगे, जिससे हमारी रेपुटेशन पर प्रभाव पड़ेगा। और फिर हमारी अपनी भी तो अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हम सही काम करें, रात को मतलब सारे लोग चैन की नींद सोए, पता लगा रहो रोज यही 30 लाख रुपए अतिरिक्त कमाने के चक्कर में पूरी एक अननेसेसरी हेक्टिक होगी पोजीशन, कि भी रोज हम केस के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, तो वो फिर सही नहीं है। तो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी सही नहीं है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सही तरह से उपयोग में लाएं। क्लियर पार्ट? चलिए राइट।